एवरीबडी गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप सब लोग भाई? सब मस्त हो? तो माई सेल्फ मिस्टर सुनील सुथार, और एक बार आप सब बच्चे लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद सुनील सुथार के अंदर बहुत बहुत वेलकम है, बहुत बहुत स्वागत है। तो भाई अपन ने जो है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे के अंदर बात कर ली थी। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बेसिक बेसिक जो है वो बातें अपन ने बात बता दी थी बेटा। आइंस्टीन फोटो इक्वेशंस के बारे के अंदर बात कर ली थी। फिर अपन ने फोटो इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड जो एक्सपेरिमेंटल व्यू थे उसके बारे के अंदर बात कर ली थी। और आज अपने जो है वो इसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स की जो है वो सीरीज़ लेकर के आए हैं। और न्यूमेरिकल्स की इसी कंसेप्ट के ऊपर जो है वो इसी चैप्टर के अंदर कम से कम अपने जो है वो 70-80 न्यूमेरिकल जो है वो करवा करके जाएंगे बेटा, ठीक है। क्योंकि अक्सर ये चीज़ अपन ने आप लोगों ने ऑब्जर्व किया कि मॉडर्न फिजिक्स के अंदर 5 से 7 क्वेश्चन जो है वो नीट IIT के अंदर आते हैं, ठीक है। और जनरली जो है वो हर बड़े इंस्टीट्यूशन के अंदर या जो भी लोकल लेवल की कोचिंग है सबके अंदर इन वाली यूनिटों को जो है वो उड़ा दिया जाता है, ठीक है। और उड़ाने से बहुत इजी यूनिट होने के बाद भी बच्चा जो है, ठीक है, वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाता। बस भाई यहाँ मैं नंबर ऑफ क्वेश्चन जितने मैक्सिमम हो सकते हैं वो मैं इंक्लूड करने का प्रयास करूँगा, ठीक है। आप लोगों से मेरी एक ही रिक्वेस्ट रहेगी, क्योंकि ये चैप्टर के अंदर जो है वो बेसिकली सारा का सारा चैप्टर जो है वो फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और उसके बाद के अंदर अपने पास जो है वो कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है। तो कैलकुलेशंस के लिए जो है वो आप खुद से अपनी प्रैक्टिस करेंगे भाई, कैलकुलेशन के लिए आप खुद से अपनी प्रैक्टिस करेंगे। मैं कंसेप्ट बता दूंगा, न्यूमेरिकल बता दूंगा, फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर दूंगा, कैलकुलेशन आप करेंगे। क्योंकि यहाँ ब्लैक बोर्ड के ऊपर अगर अपने कैलकुलेशन करने के लिए बैठेंगे तो काफ़ी लंबा टाइम जो है वो कंज्यूम हो जाता है। और आपके जो भी आंसर आ रहे हैं वो आंसर मैं यहाँ बता दूंगा। आप एक बार वीडियो पॉज करके अपने आंसर जो है वो चेक जरूर करना, क्या आपका आंसर जो है वो सही आ रहा है या नहीं आ रहा। चलो भाई स्टार्ट करें अपने। चलो देखो तभी तक देखो बेटा जो जो बातें अपने डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, उसके बारे के अंदर अपने एक बार बात कर लेते हैं, ठीक है, उसके बारे के अंदर बात ना कर लेते हैं। देखो जरा एक अपन ने बात बताई बेटा कि इसके अंदर वर्क फंक्शन के बारे के अंदर बात बताइए, ठीक है। वर्क फंक्शन फाइव से रिप्रेजेंट करते थे या डब्ल्यू नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। और डब्ल्यू नॉट इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ रहा था, एच म्यू नॉट के इक्वल आ रहा था, एच म्यू नॉट के इक्वल ना आ रहा था। तो ये वर्क फंक्शन की वैल्यू जो है वो अपने पास आ रही थी। फिर अपने पास बात आ गई बेटे, ठीक है, कि फाई इज इक्वल टू अगर अपने पास बात करें, ठीक है, तो म्यू नॉट की जगह अगर अपने सी बाई लेमडा रखें तो सी बाई लेमडा नॉट रख सकते हैं, सी बाई लेमडा नॉट रख सकते हैं। फिर मेरे पास बात आती है बेटे कि अगर एच इंटू सी के प्रोडक्ट के बारे के अंदर बात करें, ठीक है, तो एच की वैल्यू 6.62 इंटू 10^-34 होगी। सी की वैल्यू के बारे के अंदर अगर अपने बातचीत करेंगे तो 3 × 10^8 होगी। और जब अपने इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 19.86 इंटू वो अपने पास 34 × 10^-26 आ जाना चाहिए। और अपॉन के अंदर ये लेमडा जो भी आ रहा है इसको अपने को लिखना यूज में लेना बेटा मीटर के अंदर, ठीक है, मीटर के अंदर यूज में लेना। तो ये फाई की वैल्यू जो है वो अपने पास आ जाएगी। फिर अपने पास बात आ रही थी बेटा कि इसी को अपन ने बात बताई थी कि 12,400, ठीक है, और अपॉन के अंदर लेमडा जो है वो एंगस्ट्रॉम के अंदर रख लियो, तो इससे आपके पास आंसर जो आ जाएगा वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो ये अपन ने बात बताई थी बेटा एंगस्ट्रॉम के अंदर हो, ठीक है, तो 12,400 अपॉन लेमडा एंगस्ट्रॉम कर लो। अगर मेरे पास बात आती है कि नैनोमीटर के अंदर गिवन है तो 1240 अपॉन के अंदर 12 लेमडा जो है वो नैनोमीटर के अंदर अपने को लेकर के चलना है। फिर मेरे पास बात आ रही थी बेटा कि अगर अपने टोटल एनर्जी के लिए अगर अपने बातचीत करते हैं, आइंस्टीन फोटो इक्वेशन के बारे के अंदर बात कर रहे थे, तो ये मेरे पास आ रही थी फाई नॉट प्लस के अंदर ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के इक्वल आ रही थी, के मैक्सिमम आ रही थी अपने पास, ठीक है। अच्छा अगर अपने पास बात आ गई बेटा के मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के बारे के अंदर अगर अपने बात करेंगे तो ये मेरे पास आ रहा था कि ई माइनस फाई नॉट के इक्वल आ रहा था, ठीक है। फिर मेरे पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो है वो अपने पास जो है वो ई वी नॉट के इक्वल भी आ रही थी, तो ई वी नॉट इज इक्वल टू ई माइनस फाई नॉट के इक्वल आ गया था। तो ये सारे के सारे बेसिक अपने पास फॉर्मेट आ रहे थे भाई, ठीक है। और इन्हीं फॉर्मेट्स को अपने को क्या करना है, काम में लेना है। कहीं अगर मान लिया मेरे से जो है वो वेलोसिटी के बारे के अंदर बात पूछ ली जाए तो मैक्सिमम जो काइनेटिक एनर्जी आ रही है वो 1/2 mv² के इक्वल आएगी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कब होगी, जब वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, तो ये मेरे पास ई माइनस फाई नॉट के इक्वल आ जाएगा। कोई अपने से वेलोसिटी पूछ ली जाए तो 2 से इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, m डिवाइडेशन के अंदर आ जाएगा।
तो ये जनरली अपने पास इससे रिलेटेड जो है वो अपने पास फॉर्मेट अपने पास आ रहे थे। अब इसी से रिलेटेड अपने फर्स्ट इलस्ट्रेशन के बारे के अंदर बात कर रहे हैं भाई, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट के बारे के अंदर बातचीत करें, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट के अंदर, ठीक है, अपने पास क्या दे रखा है कि इफ लेमडा इज इक्वल टू, ठीक है, 2000 एंगस्ट्रॉम, ठीक। फिर मेरे पास बात आ गई बेटा कि किसी भी मेटल के लिए वर्क फंक्शन की वैल्यू दे रखी है। ये कह रहा है कि ये वो अपने पास 4.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल हो। और अब अपने से ये पूछ रहे बेटा कि स्टॉपिंग पोटेंशियल अपने को क्या करना है, फाइंड करना है। स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो अपने को फाइंड करनी है। स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब वी नॉट की वैल्यू फाइंड करनी है। वी नॉट की वैल्यू जो है वो अपने को फाइंड करनी है। तो यार वी नॉट की वैल्यू अपने किस तरीके से फाइंड करेंगे, क्या बेटा मेरे पास बात आ रही थी कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के लिए आपके पास जो फॉर्मूला आ रहा था वो मेरे पास क्या आ रहा था बेटा कि ई माइनस के अंदर अपने पास फाइव के इक्वल आ रहा था। अब फाइव अपने पास किसके अंदर दे रखा है भाई, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर, ठीक है। ये अपने पास ई इंसिडेंट लाइट की वेवलेंथ गिवन है, तो ई की जगह मेरे को लिखना चाहिए एच सी अपॉन लेमडा रखना चाहिए, ठीक है। मैक्सिमम अपने पास काइनेटिक एनर्जी स्टॉपिंग पोटेंशियल फाइंड करना है, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की जगह रखना चाहिए मेरे को ई वी नॉट। तो ई वी नॉट इज इक्वल टू, अगर अपने बातचीत करें तो यहाँ रखना चाहिए बेटे मेरे पास एच सी अपॉन लेमडा, और माइनस के अंदर मेरे पास क्या आ गया, फाइव आ गया, ठीक है। यहाँ से देखो बेटे कि अगर अपने ई वी नॉट इज इक्वल टू अगर अपने बातचीत करते हैं तो देखो भाई लेमडा एंगस्ट्रॉम के अंदर गिवन है, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर गिवन है, ठीक है। तो मेरे पास बात आ गई भाई, इसके जगह अगर अपने बात करें तो अपने को रखना चाहिए 1240 अपॉन के अंदर, ये मेरे पास आ जाएगा 2000, ठीक है। और ये मेरे पास आंसर आना चाहिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर, और माइनस के अंदर ये मेरे पास आ गया बेटे 4.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास ई वी नॉट की वैल्यू अपने पास क्या आ जाएगी बेटे, देखो 1212 कैंसल आउट हो जाएगी, ठीक है। ये मेरे पास हो जाएगा 26 हो जाएगा, ठीक है, और 2 2 4 हो जाएगा, ये एक जीरो भी अपने पास है, है ना, नीचे एक जीरो भी अपने पास है, तो 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। तो ये मेरे पास आ जाएगा 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस के अंदर, इसको अपने अप्रॉक्सीमेटली ले लेंगे भाई 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही ले लेंगे, तो इसको ले लिया पढ़ने 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया, ठीक है। तो ई वी नॉट की वैल्यू जो आ जाएगी वो मेरे पास कितनी आ गई बेटे, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगी। अब ई से ई की वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, तो वी नॉट की वैल्यू जो आ जाएगी वो मेरे पास कितने वोल्ट के इक्वल आ गई बेटे, 2 वोल्ट के इक्वल आ जाएगी। मतलब ये अपने पास क्या आ जाएगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो अपने पास आ जाएगी, स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो अपने पास आ जाएगी। तो ये स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो अपने पास आ जाएगा भाई, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो अपने पास आ जाएगा। उसके बारे के अंदर इलस्ट्रेशन नंबर टू के बारे के अंदर बात करते हैं, इसको जरा पोज करके नोट कर लो बेटे, ठीक है, पोज करके नोट कर लो जरा एक बार। चलो भाई देखो जरा, अब अपने सेकेंड इलस्ट्रेशन के बारे के अंदर बात कर रहे हैं, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर टू के बारे के अंदर बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर टू के अंदर जो है, ठीक है, वो अपने पास क्या गिवन है, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर टू आ गया अपने पास। सेकेंड एग्जाम्पल के अंदर अपने पास क्या गिवन है, ये कह रहा है कि व्हेन मेटेलिक प्लेट इज एल्यूमिनेटेड विद लैम्डा स्टॉपिंग पोटेंशियल इज एक्स वोल्ट। ये कह रहा है कि व्हेन मेटेलिक सरफेस इज एल्यूमिनेटेड, व्हेन मेटेलिक सरफेस इज एल्यूमिनेटेड विद लेमडा, ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल इज एक्स, स्टॉपिंग पोटेंशियल इज एक्स वोल्ट। ये कह रहा है कि जब अपने पास इंसिडेंट रेज की जो वेवलेंथ अपने पास आ रही है वो अगर अपने पास लेमडा के इक्वल है, इंसिडेंट रेज की वेवलेंथ जो है वो अगर अपने पास लेमडा के इक्वल है, तो ये कह रहा है भाई कि स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो अपने पास एक्स वोल्ट के इक्वल आ रही है, ठीक है। अब अपने पास ये कह रहा है कि इफ, ठीक है, कि इफ इफ वेवलेंथ वेवलेंथ इज 2 लेमडा देन स्टॉपिंग पोटेंशियल एच, देन स्टॉपिंग पोटेंशियल एच। मतलब अब अगर अपने पास बात आ गई कि वेवलेंथ को जो है, ठीक है, वो अपने क्या कर दे भाई, ठीक है, कि 2 लेमडा यानी कि जस्ट डबल कर दिया, तो ये कह रहा है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो अपने पास दे रखा है बेटा कि x बाई 3 हो गया, ठीक है, x बाई
थ्री है। और अब अपने से जो है वो ये वाली बात पूछ रहा है बेटा कि अपने को इसका जो है वो वर्क फंक्शन की वैल्यू जो है वो अपने को क्या करनी है, फाइंड करनी है, और एक अपने को लेमडा नॉट की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। तो ये कह रहा है कि फाइंड लेमडा नॉट। अच्छा, लेमडा नॉट की वैल्यू फाइंड करनी है, तो लेमडा नॉट का मतलब मेरे पास क्या क्या बेटा, क्या थ्रेशोल्ड वेवलेंथ आ गई है पास, ठीक है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ आ गई है पास। तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की वैल्यू जो है वो अपने को क्या करनी है, फाइंड करनी है, ठीक है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो बेटा किस तरीके से फाइंड करेंगे, पहले जो गिवन डेटा दे रखा है उस गिवन डेटा को ध्यान से देखो जरा। ये कह रहा है कि व्हेन मेटेलिक सरफेस इज इल्यूमिनेटेड विद लैम्डा स्टॉपिंग पोटेंशियल इज एक्स वोल्ट आ गया। तो क्या बेटे अपने आइंस्टीन फोटो इक्वेशन लगाएं, अपने आइंस्टीन फोटो इक्वेशन लगाएं, और आइंस्टीन की अगर फोटो इक्वेशन लगाएंगे तो लैम्डा दे रखी है, तो ई इज इक्वल टू मेरे पास जो है, ठीक है, वो मेरे पास फॉर्मेट जो आ रहा था वो मेरे पास आ रहा था कि फाई नॉट प्लस के अंदर मेरे पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आ रही थी, ठीक है भाई, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आ रही थी। अब एनर्जी जो है वो लैम्डा की फॉर्मेट में दे रखी है, तो यहाँ रखना चाहिए मेरे को एच सी बाई लैम्डा, ठीक है, इज इक्वल टू, पहले अपने फाई नॉट की वैल्यू फाइंड कर लेते, फाई नॉट की वैल्यू फाइंड कर लेते, वर्क फंक्शन अगर अपने पास आ जाएगा तो लैम्डा नॉट की वैल्यू अपने इजीली जो है वो फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, लैम्डा नॉट की वैल्यू अपने इजीली जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो देखो जरा कि पहले अगर अपने पास बात आ गई भाई कि वर्क फंक्शन की वैल्यू जो है वो फाई नॉट कर लिए पर, अच्छा अब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, इस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की जगह अपने क्या रख सकते हैं, ई वी नॉट रख सकते हैं, और वी नॉट की जगह स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना गिवन है भाई, एक्स गिवन है, ठीक है, तो क्या इसको अपने लिख सकते हैं ई इंटू एक्स। ये तो मेरे पास जो फर्स्ट डेटा अपने पास गिवन है उससे जो है वो रिलेशन अपने पास आ जाएगा। फिर मेरे पास बात आ गई बेटा कि सेकेंड डेटा देखो जरा, ये कह रहा है कि इफ वेवलेंथ इज टू लेमडा देन स्टॉपिंग पोटेंशियल इज एक्स बाई थ्री, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू सेकेंड डेटा अगर अपने बातचीत करेंगे, ठीक है, तो ये कह रहा है कि अपन ने क्या कर दिया भाई कि अगर वेवलेंथ को जो है वो टू लेमडा कर दें, ठीक है, तो ये अपने पास वेव जो है वो वर्क फंक्शन तो एज इट इज रहेगा, और ये कह रहा है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल एक्स बाई थ्री हो गया, ठीक है, तो ये मेरे पास क्या जाएगा भाई ई एक्स बाई थ्री के इक्वल जो है वो अपने पास आ जाएगा। अब क्या बेटा पहले अगर मेरे पास बात आ गई कि फाई नॉट की वैल्यू अगर अपने को फाइंड करनी है तो क्या फाई नॉट की वैल्यू अपने पास आ सकती है, क्या फाई नॉट की वैल्यू जो है वो अपने पास आ सकती है, तो क्या भाई फाई नॉट की वैल्यू अगर अपने को फाइंड करनी है तो क्या इक्वेशन वन को टू से डिवाइड कर ले, ठीक है, तो अब कैलकुलेशन है बेटे, देखो वन को टू से डिवाइड करोगे तो इक्वेशन वन अपने पास आ रही थी एच सी बाई लेमडा, और मल्टीप्लाई में करके लिखोगे तो ये आ जाएगा टू लेमडा अपॉन एच सी आ जाएगा, इज इक्वल टू मेरे पास क्या गया फाई नॉट प्लस के अंदर मेरे पास क्या जाएगा ई एक्स के इक्वल आ जाएगा, और अपॉन के अंदर मेरे पास क्या जाएगा फाई नॉट, और प्लस के अंदर मेरे पास क्या गया ई एक्स बाई थ्री आ गया। बेटे देखो जरा एच सी से एच सी मर जाएगा, लेमडा से लेमडा मर जाएगा, क्या इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा बेटे अपने पास टू फाई नॉट, ठीक है, प्लस के अंदर 2 को ई एक्स अपॉन 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 ई एक्स अपॉन 3 इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ गया बेटे फाई नॉट, और प्लस के अंदर मेरे पास क्या जाएगा ई एक्स के इक्वल आ गया। अब फाई नॉट वाली टर्म को एक तरफ कर लो, इसको इधर लेकर क्या हो गया तो 2 फाई नॉट माइनस फाई नॉट कितना बच जाएगा बेटे फाई नॉट इज इक्वल टू ये आ गया मेरे पास ई एक्स, और माइनस के अंदर यह आ जाएगा 2 ई एक्स अपॉन के अंदर 3 आ गया, ठीक है। क्या बेटे यहाँ से अगर अपने इसको एलसीएम लेकर के सॉल्व करते हैं तो ये 3 एलसीएम आ जाता, ये आ गया मेरे पास 3 ई एक्स माइनस के अंदर क्या आ जाएगा 2 ई एक्स के इक्वल आ जाएगा, ठीक है, तो क्या फाई नॉट की वैल्यू अपने पास आ जाएगी बेटे ई एक्स बाई 3 के इक्वल आ जाएगी, तो फाई नॉट की जो वैल्यू अपने पास आ जाएगी, ठीक है, वो मेरे पास क्या आ जाएगी बेटे कि ई एक्स अपॉन के अंदर 3 के इक्वल आ जाएगी, या अपने यूँ कह सकते हैं कि ई एक्स इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ जाएगी 3 फाई नॉट के इक्वल जो है वो आ जाएगी, ई एक्स की वैल्यू जो है वो 3 फाई नॉट के इक्वल जो है वो अपने पास आ जाएगी। अब अपने पास बात आ गई बेटा कि या तो आप क्या करो कि फाई नॉट अपने को फाइंड क्या करना है लेमडा नॉट की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, तो अपने क्या करें बेटा कि ई एक्स की जगह जो है वो ई एक्स की वैल्यू पुट कर ले, ई एक्स की जगह ई एक्स की वैल्यू पुट कर लें, तो अगर ई एक्स की जगह ई एक्स की वैल्यू पुट करोगे तो इक्वेशन फर्स्ट के अंदर देखो तो अगर अपने वैल्यू पुट करें तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा कि एच सी अपॉन लेमडा इज इक्वल टू मेरे पास आ गया फाई नॉट प्लस के अंदर ई एक्स की जगह अपन ने क्या रख दिया बेटे 3 फाई नॉट रख दिया, 3 फाई नॉट रख दिया, ठीक है भाई। यहाँ से अगर फाई नॉट की वैल्यू फाइंड करते सिंपली फाई नॉट पूछता तब तो अपने पास ई एक्स बाई 3 के इक्वल आ गया अपने पास, ई एक्स बाई 3 के इक्वल आ गया अपने पास, और अब अपने से पूछ रहा है भाई लेमडा नॉट थ्रेशोल्ड वेवलेंथ पूछ रखी है, तो क्या ये मेरे पास 4 फाई नॉट आ जाएगा अपने पास, तो एच सी अपॉन लेमडा इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ जाएगा 4 फाई नॉट आ जाएगा, ठीक है। क्या बेटे मेरे पास बात आ जाएगी कि एच सी अपॉन लेमडा, ठीक है, इज इक्वल टू 4, और क्या फाई नॉट की वैल्यू ऊपर ने बात बताई थी बेटा, ठीक है, वर्क फंक्शन है,
ठीक है। और वर्क फंक्शन की वैल्यू बताई थी अपने, एच सी अपॉन लेमडा नॉट के इक्वल आएगी, तो ये आ जाएगा मेरे पास एच सी अपॉन लेमडा नॉट आ जाएगा, ठीक है। एच सी से एच सी कैंसल आउट हो जाएगा, लेमडा नॉट की वैल्यू फाइंड करनी है तो लेमडा नॉट की वैल्यू जो आएगी वो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो फोर लेमडा के इक्वल जो है वो आर जाएगी, फोर लेमडा के इक्वल जो है वो अपने पास आर जाएगी, ठीक है। तो ये अपने पास जो है वो अगर अपने से क्या पूछ रखा है, थ्रेशहोल्ड वेवलेंथ अगर अपने से पूछ ली तो थ्रेशहोल्ड वेवलेंथ आ जाएगी। अगर अपने से जो है वो वर्क फंक्शन के बारे के अंदर बात पूछ लेता तो वर्क फंक्शन अपने पास आ जाता। तो ये सेकंड क्वेश्चन था भाई, ठीक है। तो इसको पॉज करके नोट करो जरा, ठीक है, इसको पॉज करके नोट कर लेना बेटा, ठीक है। अब अपने नेक्स्ट इलस्ट्रेशन के बारे के अंदर बात कर लें, ठीक, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन के बारे के अंदर बात कर लें, ठीक है। तो नेक्स्ट अपने पास थर्ड नंबर अगर इलस्ट्रेशन के बारे के अंदर बात करते बेटा, ठीक है, तो ये अपने पास जो है वो जेई के अंदर जो है वो 98 के अंदर जो है वो अपने पास क्वेश्चन आया हुआ, जेई 98 के अंदर जो है वो क्वेश्चन आया हुआ, ठीक है। इसी क्वेश्चन को अपने ले लेते हैं, ठीक है। ये कह रहा है कि फाई ऑफ सब्सटेंसेस इज, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन ऑफ वोल्ट। चलो बेटा मैं इसकी जो है वो लैंग्वेज ही लिखता हूँ इसी के अंदर, ठीक है, ताकि जो है वो क्वेश्चन अपने पास इजीली क्लियर हो, ठीक है। ये कह रहा है कि फाई वर्क फंक्शन दे रखा है ऑफ सब्सटेंसेस एच 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये कह रहा है द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइट दैट कैन कॉज फोटो इलेक्ट्रॉन एमिशन, ठीक है। तो मेरे पास बात आ गई बेटा कि इसके अंदर अपने पास ऑप्शन दे रखे थे, ठीक है, कि 440 नैनोमीटर आ गया, ठीक है, 400 नैनोमीटर आ गया, 3110 नैनोमीटर आ गया और 220 नैनोमीटर आ गया, ठीक है। तो ये अपने पास जो है वो डेटा गिवन था और सिंपल क्वेश्चन था बेटा। ये कह रहा है कि फाई ऑफ सब्सटेंसेज इज 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फाई मीन्स वर्क फंक्शन आ गया, कि किसी भी सब्सटेंसेस का वर्क फंक्शन जो है वो अपने पास 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गिवन है। ये कह रहा है द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइट, ठीक है, दैट कैन कॉज द फोटो इलेक्ट्रॉन एमिशन, ठीक है। अब अपने को लाइट की वेवलेंथ की वैल्यू जो है वो अपने को क्या करनी है, फाइंड करनी है, ठीक है। जिससे अपने पास बात आती है बेटा, जिससे अपने पास बात आ जाएगी, ठीक है, कि अपने पास जो है वो फोटो इलेक्ट्रॉन एमिशन जो है वो पॉसिबल हो सके अपने पास, ठीक है। तो भाई अपने पास जो है वो वेवलेंथ की वैल्यू फाइंड करनी है, तो फाई इज इक्वल टू मेरे पास फॉर्मेट क्या आ रहा था बेटे, एच सी अपॉन लेमडा नॉट आ रहा था, और ये वाली वैल्यू अपने पास कितनी दे रखी है, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखी है, ठीक है। तो मेरे पास बात आ गई बेटा, ठीक है। अच्छा ये भी देखो जरा, ऑप्शन सारे के सारे नैनोमीटर के अंदर गिवन है, ऑप्शन सारे के सारे किसके अंदर गिवन है, नैनोमीटर के अंदर गिवन है। तो इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 1240 लिखना चाहिए मेरे को, ठीक है, और अपॉन के अंदर मेरे पास लेमडा नॉट आ जाएगा, और ये किसके अंदर आएगी फिर मेरे पास नैनोमीटर के अंदर आएगी, और ये मेरे पास क्या आ जाएगी बेटे, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगी। तो लेमडा नॉट जो नैनोमीटर के अंदर अपने पास आनी चाहिए वो मेरे आ जाएगी बेटा 1240 अपॉन के अंदर मेरे पास क्या आ जाएगी, 4 जो है वो अपने पास आ जाएगी। और इसको जब अपने सॉल्व करोगे तो ये 4 3 जा हो जाएगी, 4 1 जा 1 हो जाएगा और ये 0 आ जाएगी, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगी बेटा, ठीक है, 3 1 0 अपने पास जो है वो नैनो मीटर है बेटा, ये नैनो मीटर है सबके अंदर, ठीक है, नैनो मीटर है। तो इतनी वेवलेंथ की लाइट जो है वो अपने को रिक्वायर्ड होगी, ठीक है, जो अपने पास बात आती है बेटा कि फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन को क्या करेगी, शो करेगी, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन को जो है वो क्या करेगी, शो करेगी। जिसको पॉज करके नोट कर लेना बेटा, ये 98 के अंदर अपने पास क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। फिर अपने पास बात आती है बेटे, ठीक है, कि इसी के अंदर अगर अपने बात करते हैं तो फोर्थ इलस्ट्रेशन के बारे के अंदर बात कर लें, और ये फोर्थ इलस्ट्रेशन भी जो है, ठीक है, वो अपने पास IIT एडवांस के अंदर आया हुआ है, ठीक है, एडवांस के अंदर आया हुआ है और 2014 के अंदर आया हुआ है अपने पास, 2014 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। ये 2014 के अंदर जो ये अपने पास क्वेश्चन आया हुआ था, इस क्वेश्चन के अपने पास क्या दे रखा था बेटा, ठीक है, क्वेश्चन अपने पास ये दे रखा था, ठीक है, कि ये कह रहा था कि ये अपने पास कोई भी एक मेटेलिक सरफेस है, ठीक है, और ये कह रहा है कि इसका वर्क फंक्शन जो है, ठीक है, वो फाई नॉट है, ठीक। अब ये कह रहा है कि अगर अपने क्या करते हैं कि इस मेटेलिक सरफेस के ऊपर, ठीक है, जो इंसिडेंट लाइट है,
इसकी अगर अपने पास वेवलेंथ के बारे के अंदर बात करें तो 248 नैनोमीटर वेवलेंथ की, ठीक है, जो अपने वेवलेंथ की लाइट जो है वो इंसिडेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कह रहा है कि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे हैं, ये कह रहा है कि इनकी स्पीड जो आ रही है, इस इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड अपने पास आ रही है वो ये कह रहा है कि U1 है। ये स्पीड जो है वो अपने पास क्या है, U1 है। फिर ये कह रहा है कि अगर मान लिया पढ़ने क्या कर दिया कि ये मेटेलिक सरफेस आ रही थी अपने पास, मेटेलिक सरफेस सेम है, तो क्या बेटे मेरे पास बात आ गई कि वर्क फंक्शन की वैल्यू अपने पास क्या रहेगी, सेम रहेगी। और ये कह रहा है कि अगर अपने इसी के ऊपर जो है वो 248 नैनोमीटर की जगह अगर अपने क्या करते हैं कि 310 नैनोमीटर की लाइट को इंसिडेंट करते, तो जो इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे हैं, अगर इन इलेक्ट्रॉन्स की अगर अपने स्पीड के बारे के अंदर बात करें, तो ये स्पीड कह रहा है कि U2 है। और अब अपने पास क्वेश्चन क्या दे रखा है, अपने पास ये क्वेश्चन दे रखा है कि इफ़, ठीक है, U1 अपॉन U2 का रेशियो जो है वो अपने पास 2:1 दे रखा है, ठीक है। तो अपने से ये कह रहा है बेटा कि फाई नॉट की वैल्यू जो है वो अपने को क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो फाई नॉट की वैल्यू जो है वो अपने किस तरीके से फाइंड करेंगे, ये कह रहा है कि जो अपने पास यहाँ से इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे हैं, ठीक है भाई, इस सरफेस से जब अपने इतने नैनोमीटर वेवलेंथ की लाइट को इंसिडेंट कर रहे, तो ये कह रहा है कि इन इलेक्ट्रॉन की स्पीड जो है वो U1 है, और जब अपने 310 नैनोमीटर की लाइट को काम में ले रहे हैं तो स्पीड जो आ रही है वो U2 आ रही है। और ये कह रहा है कि अगर U1/U2 मतलब इसकी स्पीड का जो रेशियो है वो अपने पास 2:1 है, स्पीड का जो रेशियो है वो मेरे पास क्या आ रहा है, 2:1 के इक्वल आ रहा है, 2:1 के इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो मेरे से ये पूछ रहा है बेटा कि फाई नॉट की वैल्यू अपने को बतानी है, फाई नॉट की वैल्यू अपने को बतानी है। तो भाई देखो जरा कि अगर मेरे पास बात आ रही है कि स्पीड दे रखी है, वेवलेंथ दे रखी है, फाई नॉट दे रखा है, तो क्या मेरे पास बात है कि बेटा कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के लिए अगर अपने फॉर्मेट के बारे के अंदर बात कर रहे थे, ठीक है, तो क्या E- के अंदर अपने पास फाई नॉट आ रहा था। अब पहली के अंदर अगर अपने बात करें बेटा कि काइनेटिक वेलोसिटी दे रखी है, स्पीड दे रखी है, तो क्या मेरे को ये लिखना चाहिए कि ½ m1 m u1² = E की जगह अगर अपने बात करें तो hc अपॉन लेमडा रखना चाहिए, ठीक है। तो अपने रखा बेटा कि hc अपॉन के अंदर ये मैंने रख दिया 248 नैनोमीटर के अंदर रख लेते हैं, और माइनस के अंदर ये मेरे पास क्या आ गया, फाई नॉट आ गया। ये मेरे पास जो फर्स्ट डेटा अपने पास था उससे रिलेशन जो है वो अपने पास आ जाएगा। फिर जो सेकेंड डेटा दे रखा है, ठीक है, उससे देखो जरा कि ये तो फर्स्ट डेटा दे रखा था उससे रिलेशन आ गया, ठीक है। सेकेंड डेटा जो दे रखा है उससे रिलेशन मेरे पास क्या जाएगा कि हाफ, ये आ गया मेरे पास m u2² स्पीड अपने पास कितनी आ रही है भाई, u2 आ रही है, ठीक है। फिर मेरे पास बात आ गई बेटा कि E = hc/λ, और इस बार लेमडा की वैल्यू अपने पास कितनी दे रखी है, 310 नैनोमीटर दे रखी है, ठीक है। माइनस के अंदर मेरे पास क्या आ जाएगा, फाइव नॉट आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 2 आ गया। अब मेरे पास बात आ गई बेटा कि U1/U2 का रेशियो दे रखा है अपने पास, U1/U2 का रेशियो दे रखा है, तो क्या इक्वेशन फर्स्ट को 2 से डिवाइड कर दें, तो इक्वेशन फर्स्ट को 2 से डिवाइड करोगे, ठीक है, तो यह आ जाएगा बेटा मेरे पास क्या, हाफ, या गया मेरे पास m, या गया U1² अपॉन के अंदर, या गया मेरे पास हाफ m, या गया बेटे U2² = मेरे पास बात आ गई बेटा कि ये hc, ठीक है, चलो यहाँ देखते हैं एक बार कि hc/248 ये नैनोमीटर आ गया अपने पास, माइनस के अंदर ये आ गया फाई नॉट अपॉन के अंदर, यह आ जाएगा बेटा मेरे पास के hc अपॉन के अंदर ये आ गया 310, ये आ गया नैनोमीटर, और माइनस के अंदर मेरे पास क्या आ गया, फाई नॉट आ गया, ठीक है। हाफ एम से हाफ एम कैंसल आउट हो जाएगा अपने पास, तो यहाँ बचेगा U1² अपॉन के अंदर क्या आ जाएगा बेटे, U2² आ जाएगा अपने पास, U2² आ जाएगा। अब ये अगर नैनोमीटर के अंदर दे रखिए बेटा, तो कैलकुलेशन को इजी करने के लिए अगर अपने बातचीत करते हैं तो यहाँ रखना चाहिए मेरे को 1240, ठीक है, अपॉन के अंदर मेरे पास क्या आ जाएगा बेटे, 248 आ जाएगा, ठीक है, और माइनस के अंदर मेरे पास क्या आ जाएगा, फाइव नॉट आ जाएगा, और अपॉन के अंदर यहाँ मेरे पास आ जाएगा 1240 अपॉन के अंदर 310, और माइनस के अंदर मेरे पास क्या आ जाएगा, फाइव नॉट आ जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास बात आ जाएगी बेटा कि ये इसको अगर आप सॉल्व करोगे, ठीक है, तो ये रिलेशन अपने पास कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ से देखो जरा कि यहाँ से अगर अपने इसी को सॉल्व करोगे तो ये देखो 0 से 0 मर जाएगी, ठीक है, ये आ जाएगा मेरे पास 4 times आ जाएगा, ठीक है। अच्छा 248 है, और 248 को अगर आप यहाँ से जो है वो कैंसल आउट करोगे, ठीक है, तो ये मेरे पास 5 के ऊपर कैंसल आउट होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से देखो बेटा कि यहाँ से देखो U1/U2 का होल स्क्वायर करोगे तो U1/U2 अपने पास कितनी आ रही है, 2:1, ठीक है, तो ये U1/U2 जो है वो 2:1 है, और U1² / U2² है तो 2:1 का होल स्क्वायर आ गया। ये क्या आ गया बेटा मेरे पास क्या, 5 माइनस के अंदर फाइव नॉट,
अपॉन के अंदर ये आ गया 4, माइनस के अंदर 5 नोट आ जाएगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा 4 बाई 1 इज इक्वल टू 5, माइनस के अंदर 5 नोट आ गया, अपॉन के अंदर 4 माइनस 5 नोट आ गया। क्या इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना चाहिए बेटा? ठीक है, तो ये 4 4 जा 16, माइनस के अंदर मेरे पास क्या आ जाएगा 4 5 नोट इज इक्वल टू 5, माइनस के अंदर ये मेरे पास क्या आ गया बेटे 5 नोट के इक्वल आ गया। इसको अगर आप इधर लेकर के आओगे तो 16 माइनस 5 कितना हो जाएगा 11, ठीक है, इसको इधर लेकर के आओगे तो ये मेरे पास 4 5 नोट प्लस की हो जाएगी। ठीक है, तो ये 4 5 नोट और माइनस के अंदर मेरे पास क्या आ जाएगी 5 नोट आ जाएगी। ठीक है, तो 5 नोट की वैल्यू जो आ जाएगी वो 11 बाई कितनी आ जाएगी 3 के इक्वल जो है वो अपने पास आ जाएगी। ठीक है, और ये अपने पास जो 5 नोट की वैल्यू जो आएगी वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर आएगी बेटे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर जो है वो आएगी। तो ये अप्रॉक्सीमेटली कितनी आ जाएगी 3 3 जा 9 हो जाएगी, 2 बच गया अपने पास, 3 6 हो जाएगी और फिर 6 आ जाएगी, तो 3.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल जो है वो आ जाएगा। तो ये मेरे पास 3.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल आएगा। तो ये 5 नोट की वैल्यू जो है वो अपने पास आ जाएगी, ये 5 नोट की वैल्यू जो है वो अपने पास आ जाएगी। तो ये भाई अपने पास 2014 के अंदर एडवांस के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, और क्वेश्चन के अंदर बेसिक फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है बेटा क्वेश्चन, अपने पास कैलकुलेशन जो है वो अपने को आनी चाहिए, कैलकुलेशन अगर स्किल्स अच्छी है ठीक है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और एक बात अच्छे से ध्यान रखना बेटा कि मॉडर्न फिजिक्स के अंदर जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो सारे के सारे कैलकुलेशन बेस्ड होंगे, और इन क्वेश्चनों की अपने को कैलकुलेशन जो है वो फाइनल आंसर तक अपने को प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये यूनिट एक ऐसी यूनिट है जो कि आपकी कैलकुलेशन स्किल्स को डेवलप करेगी, आपकी कैलकुलेशन स्किल्स को डेवलप करेगी भाई। ठीक है, तो इसको पॉज करके नोट कर लेना बेटे। ठीक है, नेक्स्ट अपने 5th नंबर क्वेश्चंस के बारे के अंदर जो है वो बात कर रहे हैं। ठीक है भाई, तो ये अपने पास जो है वो भी पढ़ने शुरू शुरू के अंदर ये जो है वो आईआईटी के क्वेश्चन जो है वो इंक्लूड कर लिए। अब अपने इसी से रिलेटेड जो है वो प्रैक्टिस करते हैं बेटा पहले अच्छे से, उसके बाद के अंदर फिर अपने जो है वो और क्वेश्चनों को लास्ट के अंदर जो है वो इंक्लूड करते करेंगे जैसे कि अपने पहले करते आ रहे थे। ठीक है, अब अपने पास बात आ रही है बेटा। ठीक है, कि नेक्स्ट अपने पास ये दे रखा है। ठीक है, कि कोई भी सरफेस है और इस सरफेस के लिए ये कह रहा है कि अगर अपने वर्क फंक्शन के बारे के अंदर बात करें। ठीक है, वर्क फंक्शन को 5 से रिप्रेजेंट कर रखा है और ये कह रहा है कि वर्क फंक्शन की वैल्यू 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल है, 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल है। ठीक है, अब ये कह रहा है, ठीक है, अब ये कह रहा है, ठीक है, कि ये फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन को शो करेगा। ठीक है, फॉर व्हाट वेवलेंथ, ठीक है, फॉर व्हाट वेवलेंथ, तो ये कह रहा है कि किस वेवलेंथ के लिए। ठीक है, मेरे पास बात आ गई। ठीक है, कि ये जो है वो अपने पास जो है, ठीक है, वो क्या करेगा भाई, फोटो एमिशन को जो है वो शो करेगा। चलो इसका क्वेश्चन लिखते हैं अपने। तो ये कह रहा है कि फॉर, अगर अपने पास बात आगे बेटा कि सोडियम अगर अपने बात करें, फॉर सोडियम डज इट शो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन फॉर व्हाट वेवलेंथ, और ऑप्शन दे रखे अपने पास कि लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नॉट होना चाहिए, लैम्डा लेस देन लैम्डा नॉट होना चाहिए, लैम्डा ग्रेटर देन लैम्डा नॉट होना चाहिए। यह मेरे पास आ गया कि ऑल ऑफ अबव आ गया अपने पास। ठीक है, तो क्या भाई पहली बात देखो जरा, क्या किसी भी मेटेलिक सरफेस के लिए अगर वर्क फंक्शन की वैल्यू दे रखी है, ठीक है, तो क्या मेरे पास बात आ गई बेटा कि थ्रेशहोल्ड वेवलेंथ की वैल्यू फाइंड की जा सकती है क्या? बात ध्यान से सुनना जरा, क्या थ्रेशहोल्ड वेवलेंथ की वैल्यू फाइंड की जा सकती है? बिल्कुल की जा सकती है। तो क्या फाई इज इक्वल टू मेरे को लिखना चाहिए बेटे एच सी अपॉन लेमडा नोट आ गया। ठीक है, अच्छा, ये अपने पास दे रखी है कि 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखा है अपने पास, इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखा है एच सी की जगह अपने पास, या अपने पास जो है वो अगर अपने को ये वेवलेंथ जो है वो नैनोमीटर के अंदर फाइंड करनी है, ठीक है, तब तो अपने को जो है वो 1240 रखना चाहिए और एंगस्ट्रॉम के अंदर लिखनी है, तो 12400 लिखना चाहिए और ये लेमडा नॉट आ जाएगा किसके अंदर आ जाएगा एंगस्ट्रॉम के अंदर आ जाएगा। इसको अगर आप इधर लेकर के आओगे तो लेमडा नॉट एंगस्ट्रॉम के अंदर जो वैल्यू आ जाएगी वो 12400 अपॉन के अंदर मेरे पास क्या आ जाएगी बेटे 2.3 आ जाएगी। ठीक है, 2.3 आ जाएगी, और जब अपने इसको क्या करोगे सॉल्व करोगे तो 5380 एंगस्ट्रॉम आएगी। ये मैंने जो है वो अपनी पहले कैलकुलेशन चेक करने के बाद के अंदर जो है वो उसके बाद में आंसर लिखा हुआ है बेटा, अपनी कैलकुलेशन जो है वो एक बार जरूर चेक करना। मतलब ये मेरे पास लैम्डा नॉट आ गया। अब मेरे पास बात आ गई बेटा कि अब अपने पास ये कह रहा है कि इफ़ गिवन लैम्डा, अगर लैम्डा नॉट के इक्वल है, ठीक है, लैम्डा की वैल्यू लेस देन लैम्डा नॉट के इक्वल है, लैम्डा की वैल्यू ग्रेटर देन लैम्डा नॉट के इक्वल आएगी, तो इसमें से कौन सा जो है, ठीक है,
अपने पास जो है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को जो है वो क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। अब अपने पास बात आ गई कि अपने को सपोज करो कि इफ, ठीक है, अपने को ये कह दिया कि इफ गिवन लेमडा जो है, इफ गिवन लेमडा जो है वो ग्रेटर देन लेमडा नॉट है, ठीक है, तो अपने से ये बात अब बारी बारी से देखना बेटा सारी बातें, ठीक है। क्या ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को जो है, यह फोटो जो अपने पास इलेक्ट्रॉन्स एमिशन को जो है वो रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। क्या बेटे मेरे पास बात आ रही थी कि E इज इक्वल टू, अगर अपने पास बात आ रही थी कि एच म्यू के इक्वल आ रहा था, ठीक है, और म्यू इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ रहा था, एच सी अपॉन लेमडा के इक्वल आ रहा था, एच सी अपॉन लेमडा के इक्वल आ रहा था। अगर अपने पास बात आती है कि एक फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी से, अगर एक फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी से, और जो ये फ्रीक्वेंसी आ रही थी मेरे पास थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आ रही थी, अगर मेरे पास बात आ गई कि फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जो है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से इंक्रीज करोगे, तो मेरे पास बात आ रही है बेटा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एमिट भी होंगे, ठीक है, और उसके बाद के अंदर अपने पास बात आती है कि फोटो करंट को क्या करेगा, रिप्रेजेंट भी नहीं करेगा। जब आप क्या करोगे बेटा, जब आप क्या करोगे, ठीक है, कि अगर आप फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर रहे हो तो मतलब वेवलेंथ जो है वो क्या होनी चाहिए, डिक्रीज होनी चाहिए, वेवलेंथ क्या होनी चाहिए, डिक्रीज होनी चाहिए, ठीक है। मतलब जब अपने पास देखो म्यू ग्रेटर देन म्यू नॉट है, ठीक है, तो मतलब मेरे पास बात आ गई, ठीक है, कि फोटो करंट जो है, फोटो करंट जो है वो फ्लो करेगा, फोटो करंट फ्लो करेगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी अपने पास, है ना, और म्यू की वैल्यू अगर म्यू नॉट के इक्वल है तो मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करेंगे बेटे, इजेक्ट करेंगे अपने पास। और फिर मेरे पास बात आ गई बेटे, ठीक है, कि अगर आप फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर रहे हो तो मतलब वेवलेंथ की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी, वेवलेंथ की वैल्यू ना डिक्रीज होगी, तो वेवलेंथ डिक्रीज होगी मतलब लेमडा जो है वो लेस देन होगा लेमडा नॉट से, तो फोटो करंट जो है वो शो करेगा, फोटो करंट जो है वो शो करेगा। अब अपने पास बात आ गई बेटा कि अगर अपने पास ये कहता कि अगर लेमडा लेमडा लेस देन जो है वो लेमडा नॉट है तो क्या ये फोटो करंट को शो करेगा, बिल्कुल करेगा, यस। और अब अपने पास ये कह रहा है कि इफ गिवन लेमडा जो है, ठीक है, वो ग्रेटर देन गिवन लेमडा जो है वो ग्रेटर देन लेमडा नॉट आ रहा है, ठीक है, तो क्या बेटे लेमडा ग्रेटर देन लेमडा नॉट आ रहा है तो मतलब फ्रीक्वेंसी जो होगी वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से क्या होगी भाई, लेस होगी, ठीक है, मतलब फ्रीक्वेंसी जो है इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी जो है वो लेस देन होगी अपने पास, ठीक है, किससे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से, तो क्या मेरे पास बात आगे बेटा कि फोटो करंट होगा इसके अंदर, नो, ठीक है, तो कोई करंट इसके अंदर फ्लो नहीं करेगा, कोई करंट अपने पास इसके अंदर फ्लो नहीं करेगा। तो इस तरीके से इसके अंदर जो है वो कंसेप्चुअल क्वेश्चन अपने पास बन सकते हैं भाई, जहाँ अपने को छोटी छोटी बातों के ऊपर जो है वो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है, तो ये इस टाइप से अपने पास क्वेश्चन बनेंगे बेटे, इस टाइप से अपने पास क्वेश्चन बनेंगे। अब अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 6 के बारे के अंदर बात कर रहे हैं, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 6 के बारे के अंदर जो है वो बात कर रहे हैं, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 6 के अंदर देखो जरा, ये कह रहा है कि फाइंड मैक्सिमम वेलोसिटी, ये कह रहा है कि अपने पास फोटो इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम वेलोसिटी जो है वो अपने को क्या करनी है बेटे, फाइंड करनी है। अब ये कह रहा है कि इफ गिवन फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू है, ठीक है, वो अपने पास कितनी गिवन है बेटे, कि 3 × 10⁻¹५ हर्ट्ज जो है वो अपने पास गिवन है, और फाइ जो वर्क फंक्शन है मेटल का, ठीक है, वो अपने पास दे रखा है 4 eV के इक्वल दे रखा है, ठीक है, और मैक्सिमम वेलोसिटी अपने को फाइन करनी है, तो क्या भाई मैक्सिमम वेलोसिटी अगर अपने को फाइन करनी है तो इस वाले फॉर्मेट को काम में लेना चाहिए, ठीक है, तो ये मेरे पास के मैक्सिमम की जगह अपने को रखना चाहिए बेटा हाफ एम वी स्क्वायर मैक्सिमम आ जाएगा, ई की जगह अगर अपने बातचीत करें बेटा, ठीक है, तो ये फ्रीक्वेंसी है तो चाहे म्यू से रिप्रेजेंट करो या एफ से रिप्रेजेंट करो, बात एक ही है अपने पास, ठीक है, तो ये आ जाएगा। क्या मेरे पास बात आ जाएगी बेटे कि वी स्क्वायर मैक्सिमम इज इक्वल टू अगर अपने बातचीत करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, अपॉन के अंदर ये आ जाएगा मेरे पास एम आ जाएगा, यह आ जाएगा मेरे पास एच म्यू, और माइनस के अंदर मेरे पास क्या आ जाएगा फाइव नॉट के इक्वल आ जाएगा, फाइव नॉट के इक्वल जो है वो अपने पास आ जाएगा। अब यहाँ से अगर अपने पास बात करें बेटा, ठीक है, कि यहाँ से अगर अपने पास बात करें, ठीक है, तो मेरे पास बात आ जाएगी बेटा कि वी स्क्वायर मैक्सिमम की जो वैल्यू अपने पास आनी चाहिए, ठीक है, वो आ गई मेरे पास 2 अपॉन एक इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 × 10⁻³¹ होता है। कैलकुलेशन को थोड़ा इजी करने के लिए 9 × 10⁻³¹ को काम में ले लो, ठीक है, तो अपने पास अप्रॉक्सीमेटली आंसर आ जाएगा बेटा। और अब अपने पास जो है, ठीक है, क्योंकि ये केजी के अंदर लेकर के चल रहे हो तो ये सारी की सारी वैल्यू एनर्जी जो है वो जूल के अंदर अपने को कंसीडर करनी पड़ेगी, जूल के अंदर जो है वो कंसीडर करनी पड़ेगी, तो जूल के अंदर अगर अपने को कंसीडर करनी पड़ेगी तो इसकी जगह आप इसकी वैल्यू रखोगे 6.62 × 10⁻³¹, और ये हर्ट्ज के अंदर दे रखी है तो आ जाएगी 3
इंटू 10^15 हर्ट्ज आ जाएगी, वो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर जूल में कन्वर्ट करोगे तो 1.6 इंटू 10^-19 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, इससे मल्टीप्लाई करोगे अपने पास, ठीक है भाई। तो अब मेरे पास बात आ गई बेटा, ठीक है, कि ये आ गया मेरे पास के 2/9 इंटू 10^-31। इसको अगर अपने पास 3 से मल्टीप्लाई करते, ठीक है, तो ये मेरे पास बात बताई थी बेटा कि 19.86 बताया था अपन ने, यहाँ देखो यहाँ लिख रखा अपन ने, ठीक है। फिर 10^-34 है, इसमें से 15 को अगर आप सब्सट्रैक्ट कर दोगे तो क्या 10^-19 बच गया अपने पास, तो ये आ गया 10^-19 आ गया। माइनस के अंदर इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 6.4 इंटू 10^-19 आ जाएगा। अब मेरे पास बात आ गई बेटा, ठीक है, कि 10^-19 को कॉमन ले लो, ठीक है, तो 2/9 इंटू 10^-31 इंटू 10^-19 को कॉमन ले लिया, ठीक है, यहाँ बच जाएगा 19.86, और माइनस के अंदर मेरे पास कितना आ जाएगा बेटा 6.4 आ जाएगा। और इसको जब आप इसमें से सब्सट्रैक्ट करोगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली जो है वो अपने पास 13.46 आ जाएगा। और अब आपने इसकी कैलकुलेशन जो है वो करनी है बेटा, ठीक है, अब आपने इसकी कैलकुलेशन करनी है। इसकी जब आप कैलकुलेशन करोगे तो ये वी स्क्वायर की वैल्यू जो आ जाएगी वो 2.99, ठीक है, इंटू 10^12 आ जाएगा, 10^12 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ये मेरे पास वी स्क्वायर मैक्स की वैल्यू आएगी, और अगर वी मैक्स की वैल्यू अगर अपने पास फाइंड करनी है तो बोथ साइड के अंदर क्या कर दोगे, रूट कर दोगे, और रूट हटाओगे तो ये मेरे पास क्या जाएगा बेटा 1.72, ठीक है, इंटू 10^6 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, ठीक है, 10^6 मीटर पर सेकंड के इक्वल जो है वो अपने पास आ जाएगा। तो ये अपने पास जो है वो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो अपने पास आ जाएंगे, ठीक है बेटा। तो इसको पोज करके नोट कर लो, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन के बारे के अंदर बात कर लें। तो नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देखो जरा, नेक्स्ट 7 नंबर के अंदर अपने पास इलस्ट्रेशन के अंदर जो है, ठीक है, वो अपने पास क्या दे रखा है बेटा, ठीक है, 7 नंबर के अंदर अपने पास इसी टाइप से अपने पास क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन अपने पास थोड़ा सा ऑप्शन जो दे रखा है वो चेंज करके दे रखा है। ये कह रहा है कि फाइंड मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन वेवलेंथ लैम्डा इफ वर्क फंक्शन इज फाई दे रखा है अपने पास, ठीक है। और अपने पास बात आ रही है कि वी स्क्वायर की वैल्यू जो है वो अपने से पूछ रखी है। ये कह रहा है कि अगर इंसिडेंट जो लाइट आ रही है उसकी वेवलेंथ लैम्डा, फिर ये कह रहा है कि वर्क फंक्शन की वैल्यू अपने पास फाई के इक्वल दे रखी है, वर्क फंक्शन की वैल्यू जो है वो अपने पास फाई के इक्वल जो है वो दे रखी है, और अपने से ये पूछ रहा है कि उसकी अपने पास जो है वो मैक्सिमम वेलोसिटी जो है वो क्या होगी, वी अपने को फाइंड करना, ठीक है बेटा। अब यहाँ से देखो जरा, क्या उस वाले फॉर्मेट को काम में लेना चाहिए अपने को, आ जाएगा मेरे पास 1/2 mv² मैक्सिमम इज इक्वल टू, अपने पास आ रहा था कि e-φ0 की जगह अपने फाई रख लिया बेटे, ठीक है, तो आ जाएगा मेरे पास 1/2 mv² मैक्सिमम आ गया। e की जगह अगर अपने बातचीत किया बेटा तो लैम्डा दे रखा है, तो यहाँ अपने को क्या वैल्यू पुट करनी चाहिए भाई, hc/λ पुट करनी चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पुट करनी चाहिए अपने को hc/λ आ गई, ठीक है, और माइनस के अंदर अपने पास क्या गया बेटे फाई आ गया, ठीक है। अब बेटा इसके अंदर कोई कहीं कोई लंबी चौड़ी बात नहीं थी, ठीक है, सिर्फ अपने पास जो क्वेश्चन अपने पास घूम करके दे रखा था वो क्या दे रखा था कि यहाँ से अपने पास जो है वो लेमडा एलसीएम ले लिया, ठीक है, तो यह आ जाएगा मेरे पास hc, माइनस के अंदर मेरे पास क्या जाएगा 5λ के इक्वल आ जाएगा, ठीक है, ये मेरे पास क्या गया 1/2 mv² मैक्सिमम आ गया। और वी स्क्वायर मैक्सिमम की वैल्यू अगर अपने को फाइंड करनी है, ठीक है, तो इधर अपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, यह आ जाएगा मेरे पास 2, ठीक है, यह आ गया hc, माइनस के अंदर मेरे पास आ गया 5λ आ गया, और अपॉन के अंदर मेरे पास क्या जाएगा लेमडा इंटू के अंदर अपने पास क्या जाएगा एम के इक्वल जो है वो आ जाएगा। तो ये वी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, और वी की वैल्यू फाइंड करोगे तो ये किसके अंदर आ जाएगा भाई, अंडर रूट के अंदर जो है वो अपने पास आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर जो है वो वैल्यू अपने पास आ जाएगी। तो ये इससे रिलेटेड अपने पास बात है बेटा, ठीक है, तो इसको भी पोज करके नोट करो। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन के बारे के अंदर बात कर लें, ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 8 के बारे के अंदर बात करें भाई, एग्जाम्पल नंबर 8 के अंदर अपने पास क्या दे रखा है, ये कह रहा है कि मोनोक्रोमेटिक लाइट, ठीक है, मोनोक्रोमेटिक लाइट का मीन्स अपने पास क्या था बेटा कि जिसके अंदर एक ही कलर की लाइट हो, इसकी वेवलेंथ अपने पास दे रखी है, ठीक है, 3000 एंगस्ट्रॉम दे रखी है। ये कह रहा है कि इंसिडेंट एट एरिया 4 cm², ठीक है, इंसिडेंट एट एरिया 4 cm² इफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट, अब इस बार अपने पास इंटेंसिटी दे रखी है, ठीक है, ये कह रहा है कि इफ इंटेंसिटी ऑफ
लाइट इज इक्वल टू 150 मेगावाट पर मीटर स्क्वायर आ गई, मेगावाट पर मीटर स्क्वायर आ गई। अब ये कह रहा है कि फाइंड द रेट एट विच फोटोन स्ट्राइक द टारगेट। अब क्वेश्चन इसके अंदर जो है वो समझने वाली बात है बेटा, ठीक है। अच्छा, ये सारी बात इंटेंसिटी अपन ने बात बताई थी कि इंटेंसिटी अपने पास आती थी कि एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम आती थी। अब ये कह रहा है कि एक मोनोक्रोमेटिक लाइट है जिसकी वेवलेंथ अपने पास गिवन है, और ये कह रहा है कि ये कितने एरिया के ऊपर इंसिडेंट कर दिया भाई, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर के ऊपर जो है वो इंसिडेंट कर दिया, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर के ऊपर जो है वो इंसिडेंट कर दिया। अब ये कह रहा है कि इफ़ इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है, यानी कि इंटेंसिटी अपने पास गिवन है, इंटेंसिटी अपने पास गिवन है, और ये दे रखा है अपने पास के 4 मेगावाट पर मीटर स्क्वायर जो है वो अपने पास गिवन है, 4 मेगावाट, सॉरी मेगा भी नहीं है बेटा, ये मिली वाट है, मिली वाट है, ठीक है, मिली वाट है। तो इसको यहाँ लिख लेना बेटा कि मिली, क्योंकि यहाँ कन्फ्यूजन नहीं रहे, मिली वाट है अपने पास, ठीक है, मिली वाट पर मीटर स्क्वायर दे रखी है। तो ये इंटेंसिटी की वैल्यू अपने पास गिवन है, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि फाइंड द रेट एट विच फोटोन स्ट्राइक द टारगेट, कि अपने को वो रेट फाइंड करनी है कि जिससे, रेट का मतलब अपने पास रेट किसके ऊपर भाई, नंबर ऑफ फोटोन फाइंड करने, ठीक है, और पर यूनिट टाइम फाइंड करने। देखो बेटा ये कह रहा है कि फाइंड द रेट एट विच फोटोन स्ट्राइक द टारगेट, मतलब पर सेकंड के अंदर कितने फोटोन जो है वो किसी टारगेट के साथ आकर के हिट करेंगे, ठीक है। ये वाली वैल्यू अपने को क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो यार ये वाली वैल्यू अगर अपने को फाइंड करनी है तो भाई जरा इंटेंसिटी के लिए जरा अपना बेसिक फार्मूला लिखो जरा, ठीक है। क्या अपना बेसिक फार्मूला आता था कि एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम आता था अपने पास, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम आता था, ठीक है। ये तो मेरे पास बात आती थी बेटा कि अगर एक ही फोटोन है तो एक फोटोन की एनर्जी आएगी, और अगर मान लिया मैं ये कहूँ कि सरफेस के ऊपर n फोटोन अगर इंसिडेंट कर रहे हैं तो n फोटोन के कारण जो टोटल इंटेंसिटी आ जाएगी वो मेरे पास n से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे भाई, टोटल एनर्जी अपने पास क्या आ जाएगी, n इंटू ई के इक्वल आ जाएगी, n इंटू ई के इक्वल आ जाएगी। अब मेरे पास लैम्डा दे रखा है तो क्या ई की जगह अगर अपने बातचीत करें तो ई की जगह मेरे को एच सी अपॉन लैम्डा लिखना चाहिए, तो एन, ये ई की जगह मैंने एच सी अपॉन लैम्डा रखा, ठीक है, और ये नीचे मेरे पास ए इंटू टी आ रहा है तो ए इंटू टी आ गया, ए इंटू टी आ गया। तो क्या बेटा ये देखो जरा, ये एन जो आ रही है क्या वो नंबर ऑफ फोटोन आ रहे हैं अपने पास, नंबर ऑफ फोटोन आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, क्या मैं एन बाई टी को अगर यहाँ रख लूँ तो क्या एन बाई टी जो आ गई, ठीक है, क्या आ जाएगी बेटा, रेट ऑफ फोटोन आ जाएगा अपने पास, रेट ऑफ फोटोन आ जाएगा, मतलब किस रेट से जो है, ठीक है, यानी कि पर सेकंड जो है वो कितने फोटोन जो है वो इस टारगेट के साथ जो है वो क्या करेंगे, हिट करेंगे। तो ये रेट ऑफ फोटोन आ गया, ठीक है, जो क्या करेंगे टारगेट के साथ क्या करेंगे, स्ट्राइक करेंगे। तो मतलब n बाई टी की वैल्यू अपने को क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो n बाई टी की वैल्यू अगर अपने को फाइंड करनी है तो n बाई टी को तो देखो मैंने यहाँ रख लिया, और बाकी इसको जो है वो इधर लेकर क्या हो गया, तो ये क्या आ जाएगा बेटे, आई लेमडा ए अपॉन के अंदर n एज इट इज रखा तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, h इंटू सी के इक्वल जो है वो अपने पास आ जाएगा। अब i की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटे, 150 मिली वॉट है तो 10^-3 करोगे, लेमडा अपने पास एंगस्ट्रॉम के अंदर गिवन है, ठीक है, तो मीटर में कन्वर्ट करोगे तो क्या 3 × 10^-7 लिख सकते हैं। ए अपने पास 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करोगे तो यह आ जाएगा 4 × 10^-4 मीटर स्क्वायर आ गया। अपॉन के अंदर मेरे पास एच की वैल्यू कितनी आ गई बेटे, 6.62 × 10^-34 और सी की वैल्यू आ गई 3 × 10^8, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये 19.86 × 10^-26 आ जाएगा, और ऊपर वाले को अपने को क्या करना है भाई, सॉल्व करना है। तो जब आप सॉल्व करोगे तो इसकी कैलकुलेशन जो है वो आप खुद से चेक करोगे, ठीक है। तो जो नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड, ठीक है, जो अपने पास टारगेट के साथ हिट करेंगे वो अप्रोक्सीमेटली अपने पास आंसर जो आना चाहिए वो 9 × 10^13 के इक्वल आना चाहिए, 9 × 10^13 के इक्वल जो है वो अपने पास आना चाहिए। तो ये अपने पास 9 × 10^13 के इक्वल जो है वो अपने पास आ जाएगा अपने पास। क्या ये बड़ी बात अच्छे से क्लियर है भाई, ठीक है, ये बड़ी बात अच्छे से क्लियर है अपने पास, ठीक है। चलो भाई, अगर ये बड़ी बात अच्छे से क्लियर है तो इसको पॉज करो,
और पॉज करके नोट करो, उसके बारे के अंदर नेक्स्ट इलस्ट्रेशन के बारे के अंदर बात करने अपने, ठीक है। अगर अपने इसी से रिलेटेड नेक्स्ट इलस्ट्रेशन के बारे के अंदर अगर अपने बात करें, ठीक है, तो नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर आ गया बेटा अपने पास 9 नंबर आ गया क्या अपने पास, ठीक है। तो नेक्स्ट इलस्ट्रेशन अपने पास आ गया 9 नंबर आ गया, ठीक है। इस 9 नंबर इलस्ट्रेशन के अंदर, ठीक है, आप देखो जरा, ठीक है, क्या अपने पास बात आ गई बेटे, ठीक है, अपने पास जो है, ठीक है, वो बात आ गई, ठीक, कि अपने क्वेश्चन एक बार जो है वो थोड़ा सा सेलेक्ट कर लेते हैं बेटे, ठीक है। चलो देखो जरा, हाँ ये बड़ा क्वेश्चन देखो जरा, ये कह रहा है, ठीक है, कि इफ़ अगर अपने पास इंसिडेंट जो लाइट है अगर उसकी वेवलेंथ के बारे के अंदर बात करें, तो ये कह रहा है कि 3100 एंगस्ट्रॉम की बने, ठीक है। ये कह रहा है कि अगर अपने पास किसी अनदर लाइट के बारे के अंदर बात करें, वेवलेंथ के बारे के अंदर बात करें, तो 6200 एंगस्ट्रॉम है। मतलब अगर सिंपली अपने पास ये कहता है कि अगर वेवलेंथ को अपने जस्ट डबल कर दें, ठीक है, तो ये अपने पास ये कह रहा है कि अगर अपने पास बात आ रही है कि जो अपने पास एमिट होने वाले इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं उसकी अगर अपने वेलोसिटी के रेशियो के बारे के अंदर बात करें, तो ये कह रहा है कि 2/1 के इक्वल आ रही है अपने पास, ठीक है, 2/1 के इक्वल आ रही है। और अब अपने से ये पूछ रहा है बेटा कि फाई की वैल्यू जो है वो अपने को क्या करनी है, फाइंड ना करनी है, फाई की वैल्यू जो है वो अपने को फाइंड करनी है। तो भाई फाई की वैल्यू जो है वो अपने को किस तरीके से फाइंड करेंगे, ठीक है। तो देखो बेटा, क्या V1 और V2 दे रखा हो तो अपने को हाफ MV² इज इक्वल टू E-ϕ नोट लेना चाहिए, ठीक है। तो मेरे पास अपने पास बेसिक जो फॉर्मेट आ रहा था वो आ रहा था मेरे पास क्या, हाफ MV² मैक्सिमम इज इक्वल टू E-ϕ आ गया। इस बार फाई की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है, ठीक है भाई। तो मेरे पास बात आ गई बेटा कि फर्स्ट जो अपने पास डेटा दे रखा है उससे एक रिलेशन लिखने का प्रयास करो जरा, कि हाफ एम, ठीक है, फर्स्ट मान लिया अपने पास वेलोसिटी जब वेवलेंथ λ1 थी तो वेलोसिटी v1 मान ली, तो यह आ गया V1² इज इक्वल टू, ये लैम्डा दे रखा है तो यह रखना चाहिए बेटा मेरे को HC/λ1, और माइनस के अंदर मेरे पास क्या जाएगा, फाई आ जाएगा। फिर मेरे पास बात आ गई बेटा कि अगर सेकंड रिलेशन के बारे के अंदर बात करेंगे तो यह जाएगा मेरे पास हाफ एम, जब वेवलेंथ λ2 है तो वेलोसिटी मान ली मेरे पास V2 है, तो V2² इज इक्वल टू मेरे पास HC/λ2, माइनस के अंदर फाई आ गया। ये इक्वेशन नंबर 1, ये 2 आ गई। अब V1/V2 का रेशियो दे रखा है तो 1/2 कर लेगा, 1/2 करते हैं यहाँ पे, तो ये आ गया मेरे पास के V1² के अंदर मेरे पास क्या जाएगा, V2² या इसको क्या देखो हाफ एम से हाफ एम कैंसल आउट हो जाता, ठीक है। यहाँ लिखते बेटा अपने, यहाँ वैल्यू पुट कर लूँगा बेटा, ठीक है, ये लैम्डा एंगस्ट्रॉम के अंदर है तो यहाँ किसके अंदर रख लें बेटा, 12400 रख लें क्या, अपॉन के अंदर ये मेरे पास कितनी आ गई, 3100 आ गई, माइनस के अंदर मैंने रख लिया 5, अपॉन के अंदर 2 से डिवाइड करेंगे तो H×C की जगह 12400, ठीक है। और इस बार अपने पास ये कितना दे रखा है बेटा, 6200 एंगस्ट्रॉम के अंदर रखना है, और माइनस के अंदर मेरे पास क्या जाएगी, 5 नॉट आ जाएगी। ये 2 0 से 2 0 मर जाएगी, ये 2 0 से 2 0 मर जाएगी, ये 62 2 जा 124 हो जाएगा, ये मेरे ख्याल से 31 4 जा 124 हो जाएगा। ये V1/V2 की जगह आप 2/1 रखोगे और 2/1 का होल स्क्वायर करोगे तो 4/1 हो जाएगा। तो यह आ जाएगा बेटा मेरे पास 4/1 इज इक्वल टू मेरे पास क्या जाएगा, 4-5 अपॉन के अंदर मेरे पास क्या गया, 2-5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 4 2 जा 8, माइनस के अंदर मेरे पास आ गया 4/5 इज इक्वल टू 4, माइनस के अंदर मेरे पास कितना जाएगा बेटे, 5 के इक्वल आ जाएगा। इसको इधर ले आओ, 4 को इधर लेकर क्या हो गया, तो 4 इज इक्वल टू ये प्लस की हो जाएगी, तो ये मेरे पास कितनी आ जाएगी, 3/5 के इक्वल आ जाएगी। तो 5 की वैल्यू जो आ जाएगी वो 4/3 के इक्वल जो है वो आ जाएगी, और ये वाली वैल्यू जो है वो किसके अंदर आएगी बेटे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर आएगी अपने पास, क्योंकि यहाँ पर भी अपने पास ये जो आंसर आएगा वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर आएगा, तो यहाँ पर भी अपने पास किसके अंदर आएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर जो है वो अपने पास आ जाएगी, तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर अपने पास आ जाएगी। तो इसको भी पोज करके नोट करो बेटा, ठीक है। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन के बारे के अंदर बात कर लें अपने, ठीक है, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन के बारे के अंदर बात कर लें। तो एग्जाम्पल नंबर 10 आ गया अपने पास। देखो बेटा, क्वेश्चन जो है वो अपने पास सेम मेथड के भी हो सकता है, अपने पास 2 2 3 3 4 4 क्वेश्चन जो है वो अपने पास रिपीट हो जाए, तो उसके अंदर अपने को जो है वो बोरियत फील नहीं करनी, ठीक है। क्योंकि मेरे पास बच्चों के स्पेशली जो है वो मैसेज आए हुए थे, बोले कि सर इसके अंदर आप नंबर ऑफ इलस्ट्रेशन जो है जितने मैक्सिमम आप इंक्लूड करें, एक के ऊपर आप 2-3 इलस्ट्रेशन भी दे सकते हो, इससे ज़्यादा भी दे सकते हो, लेकिन इसके अंदर आप जो है वो एक अच्छे से इलस्ट्रेशन रखना, ताकि हम लोग जो है वो इसके अंदर थोड़ा सा कंफर्टेबल फील करें। क्योंकि बोले सर हम भी ओवर कॉन्फिडेंस के अंदर होते हैं कि ये यूनिट आ जाएगी, लेकिन जब क्वेश्चन सॉल्व करने बैठते हैं तो क्वेश्चन सॉल्व ना होते नहीं, क्वेश्चन सॉल्व होते नहीं, ठीक है। तो इसीलिए बेटा अपने इसके अंदर जो है वो नंबर ऑफ इलस्ट्रेशन जो है वो कुछ
एक्स्ट्रा जो है वो लेकर के चलेंगे। ठीक, चलो भाई नेक्स्ट इलस्ट्रेशन के बारे के अंदर बात करते हैं अपने पास। ये कह रहा है कि किसी भी मेटेलिक सरफेस का वर्क फंक्शन दे रखा है 5.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखा है। ये कह रहा है कि व्हेन फॉलिंग वेवलेंथ h ये कह रहा है कि 2000 एंगस्ट्रॉम है। ठीक है, देन स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है भाई, अपने पास ये कह रहा है, हाँ ये कह रहा है कि अगर फॉलिंग वेवलेंथ की वैल्यू जो है वो अपने पास इसके इक्वल है। ठीक है, तो अपने से ये पूछ रहा है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो अपने को फाइंड करनी है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब वी नॉट की वैल्यू जो है वो अपने को क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो यार वी नॉट की वैल्यू जो है वो अगर अपने को फाइंड करनी है तो वी नॉट की वैल्यू अपने किस तरीके से फाइंड करेंगे। ठीक, क्या भाई वही वाला फॉर्मेट लगाएं अपने? ठीक है, तो मेरे पास क्या जाएगा कि हाफ, ठीक है, एम वी स्क्वायर, इसकी जगह स्टॉपिंग पोटेंशियल है तो ई वी नॉट रखना चाहिए। ई वी नॉट इज इक्वल टू ई माइनस फाई नॉट बताया था अपन ने। ठीक है, ये अपने पास फॉलिंग वेवलेंथ दे रखी है। ठीक है, तो बेटा मेरे को क्या करना चाहिए, यहाँ ई की जगह मेरे को क्या रखना चाहिए, एच सी अपॉन, ठीक है, लेमडा माइनस के अंदर फाई नॉट आ जाएगा। अब मेरे पास बात है कि बेटा कि यंग स्टॉर्म के अंदर दे रखी है तो यहाँ रखूँ मैं 12400 अपॉन के अंदर ये मेरे पास क्या आ जाएगी, 2000 आ जाएगी, और माइनस के अंदर ये 5.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगी। ठीक है, ये 1212 कैंसल आउट हो जाएगी। ठीक है, 2 6 2 2 जा ये 6.2 हो जाएगी। इसको बेटा अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो ये 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस इसको अप्रॉक्सीमेटली 5.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही कंसीडर कर लेंगे बेटा। ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कंसीडर कर लेते हैं तो ये मेरे पास आ जाएगा 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। ये ई वी नॉट आ जाएगा, ई से ई मर जाएगा तो वी नॉट की वैल्यू जो आ जाएगी वो 1.2 वोल्ट के इक्वल जो है वो अपने पास आ जाएगी। तो ये मेरे पास स्टॉपिंग पोटेंशियल अगर अपने से पूछ लिया तो स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो अपने पास आ जाएगी। स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो अपने पास आ जाएगी। ठीक है बेटा, तो ये एग्जाम्पल नंबर 10 आ गया, तो इसको पॉज करके नोट करो भाई। ठीक है, पॉज करके जो है वो नोट कर लो, उसके बाद के अंदर अपने बात करने हैं आगे। ठीक, फिर नेक्स्ट 11 नंबर इलस्ट्रेशन के बारे के अंदर अगर अपने बातचीत करें बेटा। ठीक है, 11th नंबर इलस्ट्रेशन के बारे के अंदर बात करें तो 11th नंबर इलस्ट्रेशन के अंदर अपने पास क्या दे रखा है। ठीक है, ये कह रहा है कि इफ वर्क फंक्शन इज नेग्लिजिबल देन काइनेटिक एनर्जी अपने को फाइंड करनी है। ठीक है, और ये कह रहा है कि इफ अगर अपने पास लेमडा इनिशियल जो है वो अपने पास वेवलेंथ ही लेमडा वन इज इक्वल टू अपने मान ले लेमडा, और लेमडा टू इज इक्वल टू अगर अपने पास बात आ गई कि 4 लेमडा जो है वो अपने पास यानी कि वेवलेंथ को जो है वो 4 टाइम अपने क्या कर दें, इंक्रीज कर दें तो काइनेटिक एनर्जी के ऊपर जो है, ठीक है, वो अपने पास जो है वो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, ये वाली बात बतानी है। ठीक है, तो बेटा देखो जरा कि अगर मेरे पास बात आ गई कि काइनेटिक एनर्जी अपने से पूछ रखी है तो क्या काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू अगर अपने पास बात करें बेटा, ठीक है, तो क्या मेरे को ये लिखना चाहिए, ठीक है, कि ई की जगह चलो ई माइनस के अंदर मेरे पास क्या आ गया, फाइव नॉट आ गया। ठीक है, अब ये कह रहा है कि वर्क फंक्शन को नेग्लिजिबल मानना है, मतलब मेरे पास बात आ गई बेटा कि फाइव नॉट को ये कह रहा है कि कंसीडर करो 0 के इक्वल, तो क्या काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू जो अपने पास आनी चाहिए, ठीक है, वो मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगी बेटा, ई के इक्वल जो है वो अपने पास आ जाएगी। मतलब मेरे पास काइनेटिक एनर्जी अगर मैं ये कहूँ कि हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू अगर अपने पास बात करें तो ई इज इक्वल टू अब यहाँ लेमडा दे रखा है तो क्या एच सी बाई लेमडा के इक्वल आ गया अपने पास, एच सी बाई लेमडा के इक्वल आ गया। अब अपने पास देखो बेटा, ठीक है, कि एच की वैल्यू कॉन्स्टेंट रहेगी, सी की वैल्यू कॉन्स्टेंट रहेगी। अब मेरे पास बात आ गई बेटा कि बात आ गई कि लेमडा की, ठीक है, कि मान लिया जब लेमडा वेवलेंथ थी लेमडा तो वेलोसिटी थी वी, और अब ये कह रहा है कि अगर अपने लेमडा इंक्रीज कर लें, ठीक है, तो मेरे पास बात आ गई बेटा कि लेमडा और वेलोसिटी के बीच के अंदर रिलेशन के बारे के अंदर अगर अपने बातचीत करेंगे, ठीक है, तो क्या आ रहा है मेरे पास, ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है, क्या वी स्क्वायर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा गया, और क्या वी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई अंडर रूट लेमडा आ जाएगा अपने पास, अंडर रूट लेमडा आ जाएगा। मतलब अगर अपने पास बात आ गई बेटा कि लेमडा इंक्रीज करोगे, ठीक है, तो वेलोसिटी जो है वो अपने पास क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, वेलोसिटी जो है वो अपने पास क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। तो मेरे पास बात आ गई बेटा कि अगर इनिशियली अपने पास जो है, ठीक है, इनिशियली v1 इज इक्वल टू अगर अपने बात करें तो v1 इज इक्वल टू क्या 1 बाई अंडर रूट लेमडा लिख सकता हूँ क्या मैं,
और फिर वी टू इज इक्वल टू अगर अपने बात करें तो 1 बाई अंडर रूट लेमडा टू लिखूँ मैं, तो अंडर रूट लेमडा टू की वैल्यू मेरे पास कितनी होगी, 4 लेमडा होगी, तो ये क्या 1/2 लेमडा आ जाएगी। तो क्या यहाँ से अगर अपने पास v1/v2 के रेशियो के बारे के अंदर बात करेंगे, ठीक है, तो v1 इज इक्वल टू 1/ अंडर रूट लेमडा, ठीक है, 1/ अंडर रूट लेमडा आ जाएगा, ये 2 अंडर रूट लेमडा आ जाएगा, और ये आ जाएगा मेरे पास 1/2 अंडर रूट लेमडा आ गया, 1/ रूट लेमडा से लेमडा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 2/1 आ जाएगा। ये वेलोसिटी का जब अपने पास रेशियो आएगा तो क्या काइनेटिक एनर्जी, देखो हाफ एम तो कॉन्स्टेंट रहेगा, हाफ एम तो कॉन्स्टेंट रहेगा, जब वेलोसिटी का रेशियो 2/1 आ रहा है तो क्या काइनेटिक एनर्जी का रेशियो भी जो अपने पास आना चाहिए वो मेरे पास क्या आ जाएगा बेटे, 2/1 के इक्वल जो है वो आ जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी का जो रेशियो अपने पास आएगा के फर्स्ट काइनेटिक एनर्जी और सेकंड काइनेटिक एनर्जी के रेशियो के बारे के अंदर भी अगर अपने बातचीत करेंगे, ठीक है, तो अपने पास बात आ जाएगी बेटा कि ये अपने पास जो है, ठीक है, वो v1/v2 का जो है वो रेशियो अपने पास आ जाएगा, ठीक है, और ये अपने पास जो है वो अपने पास क्या आ जाएगा भाई, v1/v2 का जो रेशियो अपने पास आ रहा था, ठीक है, वो मेरे पास क्या आ जाएगा 2/1 के इक्वल आ जाएगा, तो ये भी मेरे पास क्या आ जाएगी 2/1 के इक्वल जो है वो आ जाएगी, क्योंकि आप वेवलेंथ को क्या कर रहे हो बेटा, इंक्रीज कर रहे हो, तो वेलोसिटी अपने पास क्या करनी चाहिए, डिक्रीज करनी चाहिए, वेलोसिटी अपने पास क्या करनी चाहिए, डिक्रीज करनी चाहिए, तो वेलोसिटी जो है वो अपने पास क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, वेलोसिटी डिक्रीज करेगी तो काइनेटिक एनर्जी अपने पास क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या करेगी, डिक्रीज करेगी अपने पास, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू जो है वो अपने पास डिक्रीज करेगी। क्या अगर अपने पास बात आ गई बेटा कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी KE2 के बारे में बात पूछ लेता, ठीक है, तो इस वाली टर्म को इधर ले आते हैं, ठीक है, तो क्या इसको लिख सकते थे 1/2, ठीक है, ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आ गई, 1/2 इनटू के अंदर मेरे पास क्या आ जाएगी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो है वो अपने पास आ जाए। हाँ बेटा पहुंच करके नोट करो जरा, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन के बारे के अंदर बात करेंगे अपन, ठीक है, तो नेक्स्ट इलस्ट्रेशन जो है वो 12 नंबर इलस्ट्रेशन अपने पास आ गया, और इस इलस्ट्रेशन के अंदर देखो जरा क्या अपने को क्या बात कर रहे बेटे, ठीक है, इस इलस्ट्रेशन के अंदर अगर अपने बात करें तो ये 12 नंबर इलस्ट्रेशन है अपने पास, ठीक है, और 12 नंबर इलस्ट्रेशन के अंदर अपने पास क्या कह रहा है, ठीक है, ये कह रहा है कि व्हेन फ्रीक्वेंसी दे रखी है इस बार अपने पास, ठीक है, ये कह रहा है कि व्हेन फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी को F1 से रिप्रेजेंट कर रखा है, और ये दे रखा है कि फ्रीक्वेंसी जो है वो अपने पास 4 × 10^15 Hz की बन, ये कह रहा है कि व्हेन फ्रीक्वेंसी इज 4 × 10^15 Hz, ठीक है, एंड ये कह रहा है कि फ्रीक्वेंसी जो है वो अगर अपने पास F2 जो है यानी कि F1 से चेंज करके अगर अपने F2 कर लें और F2 की वैल्यू दे रखी है 6 × 10^15 Hz दे रखी है, तो ये कह रहा है बेटा कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का फर्स्ट और सेकंड सिचुएशन के अंदर, ठीक है, अगर अपने रेशियो के बारे के अंदर बात करें कि काइनेटिक एनर्जी 1/ के अंदर काइनेटिक एनर्जी 2 आ गई, और इस रेशियो के बारे के अंदर अगर अपने बातचीत करें तो ये रेशियो अपने पास दे रखा है कि 1/30 के इक्वल दे रखे, और अब अपने पास ये कह रहे हैं कि जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अपने म्यू नॉट से रिप्रेजेंट कर रहे थे, यहाँ ये कह रहे हैं कि ये एफ नॉट है, और इस एफ नॉट की वैल्यू अपने को क्या करनी है, फाइंड करनी है अपने पास, एफ नॉट की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है, तो क्या भाई अपने पास काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू E-ϕ0 काम में लेना, ठीक है, तो क्या अपने पास बात है कि बेटा के, ठीक है, E1 इज इक्वल टू अगर अपने पास बात करें बेटा, ठीक है, तो E1 माइनस के अंदर, ठीक है, अपने क्या करें फाइव नॉट लिख लेंगे अपने, वर्क फंक्शन लिख लें, ठीक है, वर्क फंक्शन लिख लिया अपने पास, ठीक है, तो वर्क फंक्शन लिख लिया अपन ने फाइव नॉट लिख लिया, और फिर अपने पास बात आएगी बेटा कि KE2 के बारे के अंदर अगर अपने बातचीत करेंगे, ठीक है, तो KE2 इज इक्वल टू अपने क्या लिखना चाहिए कि E2 माइनस के अंदर फाइव नॉट लिखना चाहिए, ठीक है, अच्छा ये अपने पास सेम मेटल दे रखा है तो वर्क फंक्शन की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी, अब KE1/KE2 को E2 का रेशियो दे रखा है तो क्या फर्स्ट डिवाइडेड बाई 2 कर लें, तो ये आ जाएगा बेटा मेरे पास 1/3 आ जाएगा, E1 इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी दे रखी है यार अपने पास, ठीक है, तो क्या फ्रीक्वेंसी अगर अपने पास दे रखी है तो E1 इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ जाएगा बेटे H μ1 आ जाएगा, और यहाँ μ1 की जगह अपने पास F1 है तो HF1 आ जाएगा, और E2 की जगह अगर अपने पास बात करेंगे तो H μ2 आ गया, और μ2 की जगह अपने पास फ्रीक्वेंसी दे रखी है F2 तो F2 लिख लूँगा, ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा कि H, ठीक है, यह आ जाएगा मेरे पास F1 आ जाएगा अपने पास H F1 आ जाएगा, और माइनस के अंदर मेरे पास क्या आ जाएगा W5 नॉट था तो 5 नॉट लिख लिया जाता है, अपॉन के अंदर ये मेरे पास यहाँ लिखे अपने H या गया F2 और माइनस के अंदर अपन ने लिख लिया बेटे 5 नॉट लिख लिया, क्या क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो H, ठीक है, F2 माइनस 5 नॉट इज इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 H F1 आ गया,
और माइनस के अंदर ये क्या देगा बेटे, थ्री फाइव नोट आ जाएगा। अब मेरे पास पता है कि बेटा ठीक है कि अपने को जो है ठीक है वो अपने क्या करें भाई, ठीक है कि इस वाली टर्म को इधर लें अपने, इस वाली टर्म को इधर लेकर के इस वाली टर्म को अगर अपने इधर लें तो ये माइनस की थ्री इधर आकर के प्लस की हो जाएगी, ठीक है। तो ये आ जाएगी प्लस की थ्री, ठीक है, फाइव नॉट माइनस के अंदर फाइव नॉट इज इक्वल टू ये आ जाएगा थ्री एच एफ वन माइनस के अंदर एच एफ टू के इक्वल आ जाएगा। यहाँ बच जाएगा बेटा मेरे पास टू फाइव नॉट इज इक्वल टू क्या, यहाँ से एच को कॉमन ले लें, यह आ जाएगा थ्री एफ वन और माइनस के अंदर अपने पास क्या आ जाएगा एफ टू के इक्वल जो है वो आ जाएगा अपने पास, ठीक है। अब बेटा थोड़ी सी अपने पास बात आ रही है कि अपने को क्या फाइन करना है, एफ नॉट की वैल्यू फाइन करनी है, ठीक है। तो क्या अपने पास बात आ रही थी बेटा कि फाइन नॉट इज इक्वल टू अगर अपने पास इतना तो अपने बात बताइए कि बेटा एच यू नॉट आएंगे, ठीक है, तो एच एफ नॉट आ जाएंगे। तो क्या यहाँ पर एच एफ नॉट रख लिया अपने, ठीक है, तो एफ नॉट की वैल्यू आ जाएगी, एच से एच कैंसल आउट हो जाएगा तो कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाएगी, ठीक है। तो मेरे पास बात आ जाएगी बेटे कि यही अपने वैल्यू पुट करते, यह आ जाएगा मेरे पास टू फाइव नॉट की जगह अपन ने क्या रखा बेटे एच एफ नॉट रखा इज इक्वल टू यह आ गया एच, यह आ गया मेरे पास थ्री एफ वन माइनस के अंदर अपने पास क्या जाएगा एफ, ये कैंसल आउट हो जाएगा अपने पास, एफ नॉट की वैल्यू फाइंड करनी, ठीक है। यह आ जाएगा थ्री एफ वन, एफ वन की जगह एफ वन की वैल्यू पुट करो बेटा, ठीक है, ये मेरे पास आ जाएगा थ्री इंटू के अंदर फोर इंटू टेन टू दी पावर फिफ्टीन माइनस के अंदर एफ टू की वैल्यू आ गई सिक्स इंटू टेन टू दी पावर फिफ्टीन और अपॉन के अंदर ये टू नीचे आ जाएगा। तो एफ नॉट इज इक्वल टू टेन टू दी पावर फिफ्टीन कॉमन ले ले बेटा, फोर थ्री द ट्वेल्व, ट्वेल्व माइनस सिक्स कितना हो गया सिक्स बाई टू आ जाएगा, थ्री आ जाएगा थ्री, मतलब मेरे पास बात आ जाएगी बेटा, ठीक है, कि अगर अपने थ्रेश होल्ड फ्रिक्वेंसी के बारे के अंदर बात करेंगे तो थ्री इंटू टेन टू दी पावर, ठीक है, 15 हर्ट्ज़ के इक्वल जो है वो अपने पास आ जाएगी, 3 इंटू टेन टू दी पावर 15 हर्ट्ज़ के इक्वल जो है वो अपने पास आ जाएगी। तो इसको पहुंच करके नोट कर लो बेटा, ठीक है। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन के बारे के अंदर बात कर लेते हैं, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन के बारे के अंदर बात कर लें, तो नेक्स्ट अपने पास 13 नंबर जो है वो इलस्ट्रेशन आ गया, और इस 13 नंबर इलस्ट्रेशन के अंदर, ठीक है, अपने पास क्या बात गिवन है, ठीक है, वो देखो जरा बेटा, ये कह रहा है अपने पास 13 नंबर इलस्ट्रेशन के अंदर जो चीज़ गिवन है, ठीक है, वो देखो जरा, ये कह रहा है कि वॉयलेट लाइट फॉलिंग ऑन सरफेस, ठीक है, ये कह रहा है कि एक वॉयलेट किसी भी सरफेस के ऊपर अगर अपने बातचीत करते हैं तो ये कह रहा है कि वॉयलेट कलर की लाइट जो है, ठीक है, वो फॉल कर रहा है, वॉयलेट लाइट, ठीक है, फॉलिंग ऑन सरफेस, ठीक है, ये कह रहा है फॉलिंग ऑन अ सरफेस, कि किसी भी सरफेस के ऊपर जब अपने क्या कर रहे हैं कि वॉयलेट कलर की लाइट जो है, ठीक है, वो इंसिडेंट कर रहा है, ये कह रहा है कि देन काइनेटिक एनर्जी जो है, ठीक है, वो अपने पास दे रखी है बेटा वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखी है, ठीक है। अब अपने पास ये कह रहा है कि इफ रेड कलर, ठीक है, इफ रेड लाइट फॉलिंग ऑन सेम सरफेस, अगर ये कह रहा है कि सेम सरफेस के ऊपर अगर अपने रेड कलर की लाइट को जो है वो क्या करते हैं इंसिडेंट करवाते हैं, तो ये कह रहे हैं कि देन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी आगे, तो ये पूछ रहे हैं कि फिर अपने पास अगर जो है वो वॉयलेट कलर की जगह अगर अपने रेड कलर को काम में लेकर के चलते हैं, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या आती है। पहली बात देखो बेटे, क्या अपन ने बात बताई थी कि एक रिलेशन जो है वो बताया था वेव योर बताया था अपन, ठीक है, फिर अपन ने बात बताई थी बेटा कि जब अपने वॉयलेट से रेड कलर की तरफ जाओगे, ठीक है, तो लैम्डा जो है वो इंक्रीज करेगी, इसका मतलब वॉयलेट कलर की वेवलेंथ जो आनी चाहिए लेमडा वॉयलेट लिख लेता हूँ मैं, ये लेस देन अपने पास आनी चाहिए लेमडा रेड, मतलब रेड कलर की जो वेवलेंथ है वो अपने पास क्या आएगी लार्ज आएगी अपने पास, लार्ज आएगी अपने पास। अब मेरे पास बात आ रही है बेटा, ठीक है, कि अगर अपने आइंस्टीन की इक्वेशन लिखे, ठीक है, तो क्या ई इज इक्वल टू अपने पास आ रहा था कि फाइव नॉट प्लस के अंदर काइनेटिक एनर्जी आ रही थी अपने पास, काइनेटिक एनर्जी के इक्वल आ रहा था अपने पास, ठीक है। अच्छा, क्या लैम्डा पहले अगर अपने पास फर्स्ट सिचुएशन के बारे के अंदर बात करें कि व्हेन इंसिडेंट लाइट इज वायलेट कलर और वायलेट कलर की हो तो क्या ई की जगह अगर अपने पास ये तो एच सी अपॉन लैम्डा वायलेट लिखा था, ठीक है। अच्छा, फिर मेरे पास बात आ गई बेटा कि फाइव नॉट देखो बेटा फाइव जब सेम सरफेस दे रखी है तो क्या फाइव नॉट की वैल्यू अपने पास क्या रहनी चाहिए कॉन्स्टेंट रहनी चाहिए, ठीक है। तो क्या इधर अगर अपने पास इस काइनेटिक एनर्जी को अगर आप इधर लेकर क्या हो गया और वॉयलेट कलर की लाइट को अगर अपने काम में ले रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी जो आ रही है वो वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के एक वाला आ रही है, ठीक है। तो इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ गया फाइव नॉट आ गया, फाइव नॉट आ गया अपने पास, ठीक। अच्छा, मतलब मेरे पास बात आ गई बेटा कि इन दोनों का जो डिफरेंस अपने पास आना चाहिए, ठीक है, वो मेरे पास बात आ गई, ठीक है भाई। देखो काइनेटिक एनर्जी दे रखी है मतलब अपने पास बात आ गई, ठीक है, कि जब ये कंडीशन अपने पास है तो उस सरफेस से इलेक्ट्रॉन एमिट भी हो रहे हैं,
और इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या कर रहे हैं, मूव भी कर रहे हैं, तभी तो उसकी काइनेटिक एनर्जी आ रही है, काइनेटिक एनर्जी आ रही है। अब अगर अपने पास बात आती है बेटे, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम अगर अपने पास चीज करें कि वायलेट कलर की जगह अगर अगर अपने पास बात आएगी कि अपने रेड कलर की लाइट को जो है वो काम में लेकर के चल, रेड कलर की लाइट को जो है वो अगर अपने काम में लेकर के चल, या रेड कलर की लाइट को अगर आप काम में लेकर के चलोगे, ठीक है, रेड कलर की लाइट को अगर अपने काम में लेकर के चलोगे, जिसका मतलब अपने पास बात आ जाएगी बेटा कि लैम्डा जो है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। मतलब मेरे पास बात आएगी कि लैम्डा रेड जो है वो ग्रेटर देन अपने पास क्या होगी, लैम्डा भी होगी। अच्छा, मतलब रेड कलर की वेवलेंथ जो है वो इंक्रीज होगी। जब ये वेवलेंथ इंक्रीज होगी तो मतलब मेरे पास बात आ जाएगी कि एच सी अपॉन लेमडा आर का जो रेशियो है, लेमडा आर अगर इंक्रीज कर दो तो ये पूरा रेशियो जो है वो अपने पास क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ये पूरा रेशियो जो है वो अपने पास क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। अगर पूरा रेशियो अगर अपने पास डिक्रीज करेगा, ठीक है, तो क्या बेटा मेरे पास बात आ गई कि जब ये वाली वैल्यू अपने पास डिक्रीज कर दी है तो मतलब मेरे पास बात आ गई बेटा कि अब जो आएगी, अब जो अपने पास ये जो डिफरेंस आएगा वो फाइव नॉट से क्या आएगा बेटा, लेस आएगा अपने पास। वर्क फंक्शन से क्या आएगा, लेस आएगा। और वर्क फंक्शन से अगर अपने पास लेस है, मतलब इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जो है, ठीक है, वो अगर वर्क फंक्शन से या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से लेस होगी तो मेरे पास बात आ गई बेटा, ठीक है, कि उस मेटल सरफेस से कोई एमिशन नहीं होगा। तो अब मेरे पास बात आ गई कि जब उस सरफेस से कोई एमिशन हो ही नहीं रहा है तो मतलब मेरे पास बात आ जाएगी कि काइनेटिक एनर्जी के बारे के अंदर बात करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू अपने पास क्या आएगी, जीरो के इक्वल जो है वो आए रहेगी। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू जीरो के इक्वल आएगी। तो इस तरीके से अपने पास छोटे छोटे क्वेश्चन अपने पास इस टाइप से भी बन सकते हैं बेटा, ठीक है, कि जिसके अंदर अपने पास जो है वो प्रीवियस ईयर्स में जो अपने बातें पढ़ रखी है उससे रिलेट करके जो है वो क्वेश्चन पूछ लिए। उसके बाद के अंदर अपने 14th नंबर इलस्ट्रेशन के बारे के अंदर बात कर रहे हैं। 14th नंबर इलस्ट्रेशन के अंदर अपने पास क्या दे रखा है, ठीक है, ये कह रहे हैं कि इफ लेमडा चेंज फ्रॉम ठीक है, लेमडा वन इज इक्वल टू 4000 एंगस्ट्रॉम टू लेमडा टू इज इक्वल टू 3000 एंगस्ट्रॉम, देन चेंज इन स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है, देन फाइंड चेंज इन स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है। तो ये कह रहा है कि अपने को अगर लेमडा जो है वो अगर अपने यहाँ से यहाँ तक अगर अपने चेंज कर दें, ठीक है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल के अंदर जो चेंज है वो अपने को क्या करना है, फाइंड करना है। तो क्या बेटे E इज इक्वल टू अपने को अपनी बेसिक इक्वेशन काम में लेनी चाहिए, ठीक है, कि E इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ रहा है कि फाइव नॉट प्लस के अंदर मेरे पास क्या आ गई, काइनेटिक एनर्जी आ गई, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी आ गई, ठीक है। अब अपने पास लैम्डा की फॉर्मेट में दे रखा है तो क्या यहाँ लिखना चाहिए, एच सी अपॉन लैम्डा वन, ठीक है। अच्छा, सेम सरफेस दे रखी है तो मेरे पास स्टॉपिंग वर्क फंक्शन सेम रहेगा। और इसकी जगह अगर अपने बातचीत करें तो क्या अपने रख सकते हैं बेटे, ई वी नॉट रख सकते हैं, ई वी नॉट जो है वो रख सकते हैं अपने पास, ठीक है, ये इक्वेशन नंबर वन आ गया अपने पास, ठीक है। अच्छा, अब अपने पास ये कह रहा है कि चेंज इन स्टॉपिंग पोटेंशियल फाइंड करना है बेटे, चेंज इन स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो फाइंड करना है। तो क्या इसको अपने वी जीरो वन से फर्स्ट कंडीशन में वी जीरो वन से रिप्रेजेंट कर लें, फिर मेरे पास बात आ गई, ठीक है, कि जब अपने पास बात आ गई बेटे, ठीक है, कि जब अपने पास बात आ गई इसी के अंदर, ठीक है, कि अगर अगर अपने पास बात आ गई कि अपने को जो है, ठीक है, अपने को जो है वो क्या दे रखा है भाई, अपने को ये दे रखा है कि लैम्डा की वैल्यू जो है वो लैम्डा टू हो जाए, लैम्डा की वैल्यू अपने पास क्या हो जाए, लैम्डा टू हो जाए, ठीक है। तो इस वाली सिचुएशन के अंदर फाइंड करनी है अपने पास, तो आप सेकंड सिचुएशन अप्लाई करो, जरा सेकंड सिचुएशन अप्लाई करोगे तो क्या अपने को लिखना चाहिए कि ये आ जाएगा मेरे पास क्या, एच सी अपॉन के अंदर लैम्डा टू इज इक्वल टू मेरे पास क्या गया, फाइव नॉट प्लस के अंदर मेरे पास क्या आ जाएगा, ई वी जीरो वन टू लिख लें क्या इसको अपने, इक्वेशन नंबर टू आ गया। अब मेरे पास बात आ रही है बेटा कि अपने को स्टॉपिंग पोटेंशियल के अंदर जो डिफरेंस है वो फाइंड करना है। तो यार डिफरेंस फाइंड करने के लिए क्या इक्वेशन वन में से टू को सब्सट्रैक्ट कर लें क्या अपने, ठीक है। तो मेरे पास बात आ जाएगी कि आ जाएगा बेटे मेरे पास क्या, एच सी अपॉन लेमडा वन, लेफ्ट साइड के अंदर से लेफ्ट साइड को सब्सट्रैक्ट कर लें और राइट साइड के अंदर से राइट साइड को सब्सट्रैक्ट कर लूँ, तो फाइव नॉट प्लस के अंदर मेरे पास क्या आ जाएगा, ई वी जीरो वन माइनस के अंदर यह आ गया फाइव नॉट और माइनस के अंदर ई वी जीरो टू आ जाएगा, प्लस माइनस कैंसल आउट हो जाएगा। अब ये एंगस्ट्रॉम के अंदर दे रखा है बेटा, ठीक है, तो ये एंगस्ट्रॉम के अंदर दे रखा है तो यहाँ रखें 12400 और लैम्डा वन कितना दे रखा है बेटा, 4000 एंगस्ट्रॉम है, ठीक है, और माइनस के अंदर 12400 और अपॉन लैम्डा टू दे रखा है अपने पास 3000 एंगस्ट्रॉम दे रखा है। ई कॉमन ले लो तो ये आ जाएगा मेरे पास वी जीरो वन माइनस के अंदर वी जीरो टू आ जाएगा, यहाँ से 20 से 20 मर जाएगी,
ठीक है, ये 20 से 20 मर जाएगी। अब अपने पास 4 टू जा हो गया, 4 वन जा हो गया, 10 है तो ये 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। ये यहाँ से करोगे तो 3 4 जा हो जाएगा, ठीक है, 3 4 जा 12 हो जाएगा, 3 1 जा 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास 4.1 और आगे समथिंग अपने पास आ जाना चाहिए बेटे, 4.1 समथिंग आ जाएगा अपने पास, ठीक है। अच्छा, अब मेरे पास बात आ गई बेटा, ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर आएगा, ठीक है। अब यार ये अपने पास जो है, ठीक है भाई, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे के अंदर बात करें तो पोटेंशियल अपने पास क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी है। तो अपने क्या करें बेटा, कि ग्रेटर मैग्नीट्यूड के अंदर से, ठीक है, स्मॉलर मैग्नीट्यूड को क्या कर लें, सब्सट्रैक्ट कर लें। तो क्या अपने ये लिखें कि 4.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 4.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस के अंदर 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, इज इक्वल टू मेरे पास क्या ई, यहाँ लिख लें डेल्टा वी लिख लें क्या, ठीक है। तो 4.1 माइनस 2.1 कितना आ जाएगा बेटे, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ जाएगा, ई डेल्टा वी आ जाएगा, ई से ई मर जाएगा। तो डेल्टा वी जो चेंज इन स्टॉपिंग पोटेंशियल जो आएगा वो अपने पास कितना आएगा बेटे, 2 वोल्ट के इक्वल जो है वो आना चाहिए अपने पास, 2 वोल्ट के इक्वल जो है वो आना चाहिए। ये 4 3 12 आएगा ना बेटा, 3.1 आएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास 3.1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास 1 वोल्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा, ये मेरे पास अप्रॉक्सीमेटली 1 वोल्ट के इक्वल जो है वो आ जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली जो है वो 1 वोल्ट के इक्वल जो है वो अपने पास आ जाएगा। तो ये इससे रिलेटेड अपने पास क्वेश्चन आ गए बेटा, इसको पहुंच करके नोट कर लेना बेटा। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन के बारे के अंदर अपने बात कर रहे हैं, ठीक है। अब अपने 15 नंबर जो है वो इलस्ट्रेशन लेकर के चल रहे हैं, ठीक है। 15 नंबर जो है वो इलस्ट्रेशन अपने लेकर के चल रहे हैं। 15 नंबर इलस्ट्रेशन के अंदर, ठीक है, अपने को क्या गिवन है बेटा, ठीक है, अपने को ये गिवन है, ठीक है। ये कह रहा है कि एफ, ठीक है, ई1 इज इक्वल टू, ठीक है, कि जो टोटल जो इंसिडेंट लाइट है, ये कह रहा है कि इसकी एनर्जी अगर अपने पास 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और ये भी कब है, जब अपने वेवलेंथ जो लाइट रेज की वेवलेंथ है वो दे रखी है अपने पास के 1.24 × 10⁻¹⁹, 1.24 × 10⁻¹⁹ दे रखिए। अब ये कह रहा है कि अगर एनर्जी जो है, ठीक है, E2 की वैल्यू जो है वो अगर अपने 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कर दे, ठीक है, तो लेमडा 2 की वैल्यू जो है, ठीक है, वो अपने से पूछ रहा है, ठीक है। लेमडा 2 की जगह जो है वो अपने पास से जो है वो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पूछ रहा है बेटा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी म्यू 2 की वैल्यू जो है वो अपने से पूछ रहा है। तो भाई सिंपली बात देखो ज़रा, कि मेरे पास बात आ रही थी बेटा कि एनर्जी ई इज इक्वल टू अपन ने बताया था एच म्यू, और म्यू की जगह अपने को क्या रखना चाहिए बेटे, सी बाई लेमडा रखना चाहिए, ठीक है। तो क्या मेरे पास बात आ गई बेटा कि ई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा लिख सकते हैं क्या, ठीक है। क्या यहाँ से देखो, अगर लेमडा 2 आ जाए तो क्या म्यू 2 आ जाएगा अपने पास, क्योंकि म्यू और लेमडा के बीच के अंदर रिलेशन अपने को पता है कि म्यू इज इक्वल टू सी बाई लेमडा आ जाएगा। तो पहले अपने क्या कर लेते हैं भाई, ठीक है, कि लेमडा फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले अगर अपने बातचीत करें कि अगर मान लिया अपने को E1 बाई E2 के बारे के अंदर अगर अपने बातचीत करें, ठीक है, तो के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आनी चाहिए, तो इसको लिखें अपने लेमडा 2 बाई लेमडा 1 लिखें, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा, कि ये आ जाएगा 1, ठीक है, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो 10³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। E2 की वैल्यू है 1 मेगा है तो 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। लेमडा 2 की वैल्यू फाइंड करनी है, यह आ गया 1.24 × 10⁻¹⁹ आ गया, ये कैंसल आउट हो जाएगा, ये 10⁻³ से 10⁻³ कैंसल आउट हो जाएगी। अब लेमडा 2 की वैल्यू अगर अपने को फाइंड करनी है, ठीक है, तो इसको इधर ले आओ बेटा, तो लेमडा 2 इज इक्वल टू अपने पास क्या आ जाएगा, 1.24 × 10⁻¹⁹, ठीक है, और अपॉन के अंदर क्या आ गया, 10⁻³, ठीक है। इसको जब आप ऊपर लेकर के जाओगे तो 1.24 × 10⁻¹⁹, 10⁻³ ऊपर जाएगी, तो ये अपने पास 10⁻ कितनी हो जाएगी, −12 के इक्वल हो जाएगी। अब मेरे पास बात आ गई बेटा कि लेमडा 2 की वैल्यू आ गई, ठीक है, तो क्या म्यू 2 इज इक्वल टू अगर अपने बात करें तो क्या अपने लिख सकते हैं बेटा, सी बाई लेमडा 2 लिख सकते हैं, और म्यू 2 की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है, ठीक है। तो सी की जगह रखो बेटे 3 × 10⁸, ठीक है, और लेमडा 2 की वैल्यू अपने पास कितनी आ रही है, 1.24 × 10⁻¹⁹ आ रही है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करोगे, ठीक है, तो ये आपके पास जो है वो 2.4 और ये 10⁻¹⁛ ऊपर जाएगी तो प्लस की हो जाएगी, तो 10⁻²० हर्ट्ज़ के इक्वल जो है वो अपने पास आ जाएगी। तो ये मेरे पास जो है वो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जो है वो अपने पास आ जाएगी बेटे, ठीक है। तो ये अपने पास 15th नंबर जो है वो इलस्ट्रेशन आ गया बेटे, ठीक है। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन के बारे के अंदर बात करते हैं अपने, ठीक है। तो नेक्स्ट इलस्ट्रेशन के अंदर देखो ज़रा, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन के अंदर
ठीक है, अपने पास क्या चीज़ दे रखी है, ये कह रहा है कि यहाँ अपने पास रेडियो ट्रांसमीटर दे रखा है और ये रेडियो ट्रांसमीटर की फ्रीक्वेंसी दे रखी है अपने पास, ठीक है, कि एक अपने पास ये दे रखा है कि रेडियो और ट्रांसमीटर दे रखा है बेटा, ठीक है, रेडियो ट्रांसमीटर जो है वो अपने पास दे रखा है, ठीक है, रेडियो ट्रांसमीटर जो है, ठीक है, वो अपने पास गिवन, अच्छा, इसकी अपने पास फ्रीक्वेंसी दे रखी है बेटा, ठीक है, और इसकी फ्रीक्वेंसी जो अपने पास है वो 880 किलो हर्ट्स अपने पास एक गिवन है, ठीक है, किलो हर्ट्स गिवन है, और ये कह रहा है कि इस रेडियो ट्रांसमीटर की पावर भी अपने पास गिवन है, ठीक है, और ये पावर की जो वैल्यू अपने पास गिवन है वो 10 किलो वाट दे रखी है, 10 किलो वाट जो है वो अपने पास गिवन है। अब ये कह रहा है कि नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड की वैल्यू जो है, ठीक है, वो अपने को फाइंड करनी है, ठीक है, कि नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड जो है, ठीक है, वो अपने को क्या करना है, फाइंड करना है, तो पर सेकंड की वैल्यू जो है वो अपने को क्या करनी है, फाइंड करनी है, तो यार नंबर ऑफ फोटोन अगर अपने पास पता कि बेटे के पर सेकंड के बारे के अंदर अगर अपने बातचीत करें, ठीक है, तो नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड अगर अपने को फाइंड करना है तो वो किस तरीके से अपने फाइंड करेंगे, ठीक है, तो ध्यान देना बेटा, क्या मेरे पास पता कि बेटा कि ये पावर की वैल्यू दे रखी है, ठीक है, क्या पावर, पावर इज इक्वल टू अगर अपने बातचीत करें तो क्या एनर्जी अपॉन टाइम आ गया अपने पास, एनर्जी अपॉन टाइम आ गया अपने पास, क्या अगर मैं बात करता हूँ बेटा कि एक फोटोन की अगर मैं एनर्जी के बारे के अंदर बात करूँ तो क्या एनर्जी ऑफ वन फोटोन जो आएगा वो एच म्यू के इक्वल आएगा, तो एच म्यू अपॉन टी आ गया, और अगर उस सरफेस के ऊपर टोटल इंसिडेंट जो नंबर ऑफ फोटोन आ रहे हैं वो अगर एन के इक्वल आ रहे हैं तो क्या बेटे टोटल एनर्जी के बारे के अंदर बात करेंगे तो एन एच म्यू के इक्वल आ जाएगी, एन एच म्यू के इक्वल जो है वो आ जाएगी। अब ये कह रहे हैं कि नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड, ठीक है, मतलब मेरे पास बात आ गई बेटा कि रेट ऑफ फोटोन जो है वो फाइंड करना है अपने पास, मतलब एन बाई टी की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है, ठीक है, तो एन बाई टी की वैल्यू अगर फाइंड करनी है तो क्या एन बाई टी इज इक्वल टू मैं इसको लिख सकता हूँ बेटा पी अपॉन के अंदर एच म्यू लिख सकता हूँ, क्या पी अपॉन के अंदर मेरे पास क्या आ जाएगा एच म्यू आ जाएगा। अब देखो पी की जगह पी की वैल्यू दे रखी है बेटा 10 किलो वॉट है तो 10^3 हो जाएगा, एच एच की जगह अपने को रखना है 6.62 इंटू 10^-34, ठीक है, और फ्रिक्वेंसी की वैल्यू 880 किलो है तो 10^3 हर्ट्ज़ आ जाएगा, और इसको जब अपने क्या करेंगे सॉल्व वोल करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली आंसर जो आना चाहिए वो 1.72 इंटू 10^, ठीक है, 31 के इक्वल जो है वो अपने पास आ जाएगा। तो ये इस तरीके से अगर अपने पास कोई फोटोन वोटोन से रिलेटेड अगर अपने से बात पूछ ली जाए, ठीक है, तो इस तरीके से इन क्वेश्चनों को जो है वो अपने सॉल्व करेंगे, ठीक है भाई, तो इसको भी पोज करके नोट कर लेना भाई। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन के बारे के अंदर बात कर रहे हैं अपने, ठीक है, नेक्स्ट 17 नंबर इलस्ट्रेशन के बारे के अंदर बात कर रहे हैं अपने, ठीक है, और इस इलस्ट्रेशन के अंदर यहाँ से देखना बेटा कि इसको जो है वो इसने 11th के कंसेप्ट से जो है वो रिलेट कर रखे हैं। ये कह रहा है कि स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर दे रखी है अपने पास, ठीक है, ये कह रहा है कि स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर गिवन है, ठीक है, और स्पेसिफिक हीट को अपने एस से रिप्रेजेंट करते थे। ये कह रहा है कि 4 ये दे रखी है अपने पास कितनी है 231 दे रखी है, ठीक है, जूल पर ग्राम इनटू डिग्री सेंटीग्रेड गिवन है। अब ये कह रहा है कि अगर अपने फ्रीक्वेंसी गिवन है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ये कह रहा है कि 3 × 10^9 हर्ट्ज, ठीक है, इज यूज्ड, ठीक है, ये कह रहा है कि इतनी फ्रीक्वेंसी की लाइट को अपने काम में ले रहे हैं, यूज्ड टू हीट 400 ग्राम वाटर फ्रॉम 20°C to 40°C, ठीक है, द नंबर ऑफ फोटोन रिक्वायर्ड। तो अब ये कह रहा है कि अपने को कितने नंबर ऑफ फोटोन रिक्वायर्ड होंगे, ये वाली वैल्यू अपने को क्या करनी है भाई, फाइंड करनी है। तो भाई देखो जरा, क्या अगर मेरे पास बात आती है बेटा कि नंबर ऑफ फोटोन अगर अपने पास फाइंड करने, ठीक है भाई, अगर अपने पास बात आ गई कि इस टाइप के जब भी कहीं सिचुएशन आए, ठीक है, कि नंबर ऑफ फोटोन अगर अपने पास फाइंड करने,
ठीक है। तो क्या मेरे पास बात आ रही है बेटा कि पहले अपने क्या करें कि टोटल एनर्जी जो है वो फाइंड कर ले पर सेकंड के अंदर, ठीक है। ये टोटल नंबर ऑफ फोटोन भी पर सेकंड के अंदर आएगा, तो यह टोटल एनर्जी फाइंड कर लो। और टोटल एनर्जी के अंदर अगर अपने एनर्जी ऑफ वन फोटोन से क्या कर दें, डिवाइड कर दें, तो ये मेरे पास बात आ गई बेटा कि टोटल एनर्जी आ गई, टोटल एनर्जी आ गई, ठीक है। और टोटल एनर्जी को अगर अपने क्या करें, ठीक है, कि एनर्जी ऑफ वन फोटोन से डिवाइड कर दें, एनर्जी ऑफ वन फोटोन से क्या कर दें, डिवाइड कर दें, वन फोटोन से डिवाइड कर दें, तो मेरे पास बात आ जाएगी बेटा, ठीक है, कि अपने पास नंबर ऑफ फोटोन जो है वो आ जाएंगे। देखो जरा कि अगर मान लिया मैं टोटल एनर्जी के बारे के अंदर बात करूँ, ई एक फोटोन की एनर्जी क्या आ रही है बेटे, एच म्यू के इक्वल आ रही है। और अगर एन फोटोन हो, ठीक है, तो क्या एन एच म्यू के इक्वल आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब अपने पास बात आ गई कि अगर अपने को नंबर ऑफ फोटोन एन की वैल्यू फाइंड करनी है तो ई अपॉन एच म्यू के इक्वल आ गया। ई क्या आ रही है बेटा मेरे पास, टोटल एनर्जी आ रही है, तो ई मेरे पास क्या आ गई, टोटल एनर्जी आ गई अपने पास। और एच म्यू क्या आ रही है मेरे पास, एनर्जी ऑफ वन फोटोन आ गया अपने पास, तो ये हमारे पास क्या आ गई, एनर्जी ऑफ वन फोटोन आ गया अपने पास, तो ये एनर्जी ऑफ वन फोटोन जो है वो अपने पास आ जाएगा। तो अब देखो बेटा कि अगर अपने को टोटल एनर्जी फाइंड करनी है तो पहले अपने टोटल एनर्जी फाइंड करते हैं। तो टोटल एनर्जी फाइंड करनी है तो देखो, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर दे रखी है, फ्रीक्वेंसी ये कह रहा है कि इतनी फ्रीक्वेंसी की लाइट को अपने काम में ले रहे हैं, टू हीट 400 ग्राम वाटर, ठीक है, फ्रॉम टेम्परेचर दिस टू दिस, ठीक है। तो क्या बेटे अपने पास एनर्जी जो आती थी जब अपने टेम्परेचर राइज करने के लिए, तो ये मेरे पास क्या आती थी, एम एस डेल्टा टी के इक्वल आती थी, ठीक है। तो एम इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 400 ग्राम दे रखा है, ठीक है। एस स्पेसिफिक हीट अपने पास दे रखी है 4.231 आ गया, और डेल्टा टी की वैल्यू जो आ जाएगी वो 40 माइनस के अंदर मेरे पास कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, मतलब इनटू के अंदर अपने पास कितना आ जाएगा, 20 जूल के इक्वल आ जाएगा। अब मेरे पास बात है कि बेटा कि अगर अपने को टोटल नंबर ऑफ फोटोन फाइंड करने, तो टोटल एनर्जी तो ये आ गई, ठीक है, तो 400 इंटू इसको मैं 4.2 लिख लेता हूँ, ये आ गया मेरे पास 20। और वन फोटोन की एनर्जी जो आएगी वो मेरे पास किसके इक्वल आ गई बेटे, एच म्यू के इक्वल आ गई, ठीक है। तो यह आ जाएगा मेरे पास 400 इंटू 4.2 इंटू के अंदर ये आ गया 20, अपॉन के अंदर एच की वैल्यू आ गई 6.62 इंटू 10^-34, और फ्रिक्वेंसी की जो वैल्यू अपने पास दे रखी है वो 3×10^9 दे रखी है। अब इस कैलकुलेशन को जो है वो आपने सॉल्व करना है बेटा, कैलकुलेशन को जब आप सॉल्व करोगे तो ये 1.69 इंटू 10^ जो है वो 28 अपने पास आंसर जो है वो आ जाएगा। तो कैलकुलेशन जो है वो आप इसके अंदर खुद से जो है वो सॉल्व करेंगे भाई, कैलकुलेशन को जो है वो खुद से सॉल्व करेंगे अपने पास, ठीक है। तो एक अपने पास इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, चलो भाई इसको जरा पोज करके नोट करो, उसके बारे के अंदर नेक्स्ट इलस्ट्रेशन के बारे के अंदर बात कर रहे हैं अपने, ठीक है। तो ये इलस्ट्रेशन नंबर जो है वो 18 आ गया बेटे, ठीक है। इस 18th नंबर इलस्ट्रेशन के अंदर अपने पास क्या दे रखा है, ठीक है, 18th नंबर इलस्ट्रेशन के अंदर ये कह रहा है कि फाइंड नंबर ऑफ फोटोन आर एमिटेड बाय ए लेज़र सोर्स। चलो भाई क्वेश्चन की लैंग्वेज लिखते हैं अपने, ये कह रहा है कि फाइंड नंबर ऑफ फोटोन आर एमिटेड बाय ए लेजर सोर्स ऑफ 5×10^-3 वॉट ऑपरेट एट 632.2 नैनोमीटर इन 2 सेकेंड, ठीक है। तो ये अपने पास जो है वो डेटा दे रखा है, और ये कह रहा है कि नंबर ऑफ फोटोन की वैल्यू जो है वो अपने को क्या करनी है भाई, फाइंड करनी है, और इन 2 सेकेंड के अंदर जो है वो अपने को फाइंड करनी है, इन 2 सेकेंड के अंदर जो है वो फाइंड करनी है। तो भाई अपने पास पहली बात देखो जरा, ठीक है, कि पहली अगर अपने बातचीत करें बेटा, ठीक है, कि ये कह रहा है कि लेजर सोर्स की जो है वो पावर दे रखी है, ठीक है, लेजर सोर्स की पावर दे रखी है। तो क्या पावर इज इक्वल टू अपने पास क्या आती थी, एनर्जी अपॉन टाइम आती थी, ठीक है। अच्छा, अब अपने पास बात आ गई बेटा कि ये अपने पास पर सेकंड के अंदर आ जाएगा, पर सेकंड के अंदर आ जाएगा, यानी कि पर सेकंड पावर आ रही है। और अगर अपने पास 2 सेकंड के अंदर, मतलब 1 सेकंड के अंदर पावर आ गई, मतलब है ना, एनर्जी पर सेकंड अपने पास जो है वो पावर आ गई, और टोटल टाइम अपने पास 2 सेकंड है, तो 2 से क्या कर दो भाई, मल्टीप्लाई कर दो,
तो ये आपके पास जो है वो पी, पी की जगह जो है वो ई बाई टी की जगह अपने क्या रख सकते हैं, पी रख सकते हैं क्या अपने पास, तो ये टोटल एनर्जी आ जाएगी। ध्यान देना जरा कि मैंने अभी नंबर ऑफ फोटोन के लिए मैंने क्या बात बताई बेटा, ठीक है, कि नंबर ऑफ फोटोन के लिए अभी अपन ने रिलेशन बताया, ठीक है, वो क्या बताया बेटा कि टोटल एनर्जी, ठीक है, टोटल एनर्जी आ गई, ठीक है, टोटल एनर्जी आ गई, और अपॉन के अंदर मेरे पास बात आ गई बेटा क्या, एनर्जी ऑफ वन फोटोन आ गया अपने पास, ठीक है, और ये मेरे पास पर सेकंड आ रही थी, तो इसको टाइम से मल्टीप्लाई कर दें अपने, जो कि यहाँ कर रखा है अपने, ठीक है, टाइम से मल्टीप्लाई कर दें जो कि यहाँ कर रखा है, तो टोटल एनर्जी पर यूनिट टाइम तो मेरे पास क्या आ गई बेटा, ई बाई टी, और ई बाई टी की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, पावर रख सकता हूँ, और पावर की वैल्यू जो आ गई वो पी आ गई, ठीक है, और एनर्जी ऑफ वन फोटोन, अब यहाँ देखो जरा, ठीक है, क्या आपके पास नैनोमीटर मतलब वेवलेंथ दे रखी है, तो एनर्जी ऑफ वन फोटोन अपने पास क्या आ जाएगी, एच म्यू के इक्वल आ जाएगी, E इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ जाएगी, एच म्यू आ जाएगी, और म्यू की जगह अपने क्या रख सकते हैं बेटा, एच सी बाई लैम्डा रख सकते हैं, तो एनर्जी ऑफ वन फोटोन अपने पास क्या आ जाएगा, एच सी अपॉन लैम्डा आ जाएगा, और इनटू मेरे पास टाइम 2 सेकंड है, तो टाइम की जगह अपने को क्या रखना है, 2 सेकंड रखना है, टाइम की जगह जो है वो अपने को 2 सेकंड रखना है, तब आपका ये लैम्डा ऊपर चला जाएगा बेटा। अब अपने पास कैलकुलेशन है, तो देखो पी की जगह पी की वैल्यू पुट करेंगे 5 × 10⁻³, लैम्डा को ऊपर लेकर के जाओगे तो 632.2, ठीक है, ये नैनोमीटर थी अपने पास, नैनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लो तो 10⁻⁹ आ गया, अपॉन के अंदर एच, एच की जगह 6.62 × 10⁻³, सी की जगह 3 × 10⁸, और कितने टाइम के अंदर है बेटा, 2 सेकंड के अंदर है, तो इंटू 2 कर दोगे तो ये नंबर ऑफ फोटोन जो है वो अपने पास आ जाएंगे, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो जो नंबर ऑफ फोटोन अपने पास आ रहे हैं, एन जो आ रहे हैं वो अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू जो आनी चाहिए वो 3.2 × 10⁻⁶ के इक्वल जो है वो आनी चाहिए, तो ये मेरे पास टोटल नंबर ऑफ फोटोन जो है वो अपने पास आ जाएंगे, ठीक है भाई। तो इस क्वेश्चन को पॉज करके नोट कर लेना भाई। अब अपने इसी के अंदर जो है वो इस लेक्चर के अंदर जो है वो लास्ट क्वेश्चन लेकर के चल रहे हैं बेटा, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन लेकर के चल रहे हैं, 19 नंबर क्वेश्चन है, और फिर बेटे ये लेक्चर जो है वो काफ़ी लंबा अपने पास लेक्चर हो गया, ठीक है, तो अगले क्वेश्चन लेक्चर के अंदर इसका एक पार्ट जो है वो और बढ़ाएंगे, और उस पार्ट के अंदर अपने प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं नीट के उसको अपने इंक्लूड करेंगे, ठीक। चलो भाई, तो इसका लास्ट क्वेश्चन देखो जरा आज की क्लास का, तो ये कह रहा है कि फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिटेड पर सेकेंड बाय ए 24 वॉट सोर्स ऑफ लैम्डा 6600 एंगस्ट्रॉम इफ नीटा इज 3%, ठीक है। अब देखो बेटा, अगर मेरे पास बात आ गई, ठीक है, अगर मेरे पास बात आ गई, ये कह रहा है कि इस लाइट सोर्स की पावर दे रखी है, और ये कह रहा है कि इस पावर सोर्स की एफिशिएंसी जो आ रही है वो अपने पास कितनी आ रही है बेटा, 3% के इक्वल आ रही है, इसकी एफिशिएंसी जो आ रही है वो 3% के इक्वल आ रही है अपने पास, ठीक है। तो मेरे पास बात आ जाएगी बेटा, ठीक है, कि अपने से ये कह रहा है कि फाइंड नंबर ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड अपने को फाइंड करने, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिटेड पर सेकेंड अगर अपने को फाइंड करने, तो अपने पास बात आ रही थी बेटा कि टोटल एनर्जी, ठीक है, टोटल एनर्जी आ गई, और ये पर सेकंड आएगी अपने पास, और अपॉन के अंदर मेरे पास पता कि बेटा क्या एनर्जी ऑफ ईच फोटोन आ गया अपने पास, ईच फोटोन आ गया अपने पास, ठीक है। तो वो बेटा मेरे पास पी पावर दे रखी है, पावर इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ गया, एनर्जी अपॉन टाइम आ गया। टी की वैल्यू अगर अपने पास 1 सेकंड रखेंगे, क्योंकि टोटल एनर्जी पर सेकंड मैंने बात की है यहाँ पे, है ना, तो पी की वैल्यू जो है वो ई के इक्वल आ जाएगी, ठीक है। तो मेरे पास n, n इज इक्वल टू ये तो रखा बेटा मैंने 24 वॉट, और ये कह रहा है कि इसकी एफिशिएंसी 3% है, तो 24 का 3% अगर अपने बात करेंगे तो 3/100 हो जाएगा, और ईच फोटोन की जो अपने पास एनर्जी जो आएगी वो मेरे पास लैम्डा दे रखी है, तो एच सी बाई लैम्डा करना चाहिए मेरे को, एच सी बाई लैम्डा जो है वो करना चाहिए, तो भाई लैम्डा अपने पास ऊपर चला जाएगा, देखो जरा क्या जाएगा, 24 × 3/100, ठीक है, इंटू के अंदर लैम्डा ऊपर चला जाएगा, तो लैम्डा जाएगा 6600 × 10⁻¹० कर लेता हूँ, और एच इंटू सी का जो प्रोडक्ट अपन ने बताया था बेटा 19.86 × 10⁻²⁶ कर लो, ठीक है। अब जब अपने इसी को पूरे को आप सॉल्व करोगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली आंसर जो आना चाहिए वो 24 × 10⁻¹⁷ के इक्वल
आएगा, मतलब इतने इलेक्ट्रॉन जो है वो पर सेकंड अपने पास क्या करेंगे बेटे, एमिट करेंगे। तो ये था बेटे अपने पास आज का लेक्चर था, और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है वो अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो है वो इंक्लूड करेंगे। तो तब तक ऑल द वेरी बेस्ट बेटे।